إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد तमाम तारीफ़ हैं उस अल्लाह अज़्ज़ो जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ इस हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कड़ी और जो सीरीज़ हमारी चल रही थी वो थी तहारत के ताल्लुक से, और सबसे पहले उसमें हमने जो है रफ़ा हाजत के अहकाम मैंने आपके सामने भरा रखने की कोशिश की जो दो हफ्ते पहले हमने देखे। उसके बाद पिछले हफ्ते मैंने आपके सामने जो है कुछ बातें वजू के ताल्लुक से, वो कौन से उमूर है जो वजू को जो है हम पर ठीक कौन से उमूर है जो वजू को हम पर जो है वाजिब कर देते हैं, वो क्या काम है जिनके करने से जो वजू टूट जाता है। बहरहाल मुख्तलिफ बहुत सारी बातें बहरहाल पिछली बार वजू और वजू के ताल्लुक से जो बातें हो सकती थी मैंने आपके सामने बहरहाल रखने की कोशिश की। अब आइए बहरहाल आज जो है हम कुछ बातें जो है गुस्ल के ताल्लुक से देखने की कोशिश करते हैं कि गुस्ल क्या है और ये कब हम पर वाजिब होता है, और कुछ बहरहाल बुनियादी बातें गुस्ल के ताल्लुक से हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो जब भी हम ये तमाम चीजों को सीखें, चाहे तहारत के मसाइल हो, नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, ये तमाम चीजें ये तमाम इबादत का हिस्सा है, याद रखिए इनको सीखने का भी सवाब है। वरना लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इबादत करने का सवाब है, जो मखसूस इबादतें हैं, जो फराइज है जैसे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, लेकिन उनको सीखना उनके नजदीक इबादत नहीं होता या बायस अजर सवाब नहीं होता। तो लिहाजा हम सीखने पे इसलिए ज्यादा वक्त नहीं डालते हैं, ठीक। हमारे लिए वो इबादत का करना है, ऐसा नमाज पढ़ना हमारे लिए अहम है, नमाज से पहले वजू तहारत इसके सीखने की कोई अहमियत नहीं हमारे पास, ठीक। और होता ही है कि हम उस मामले को बहुत आसानी से ले लेते हैं। रहा मसला उन लोगों का जिनके पास इल्म नहीं होता, वो इस मसले को बड़े संगीनी से लेते हैं। उनके पास हर बार आपको तहारत की बातें, तहारत के ताल्लुक से, तहारत के मसाइल या मुख्तलिफ चीजें वो सिखाते हैं, लेकिन हमारे पास एक अफसोसनाक बात है, वो लोगों के पास बिल्कुल जो किताब सुन्नत को मानते हैं कि तहारत के ताल्लुक से बहुत कम हम तरजीह देते हैं, या उसकी तरफ जो हमारा बहुत कम रुझान होता है, या उसके मसाइल पर हम बहुत कम बात करते हैं। उसके दीगर बातें जो तहारत की बुनियाद पर होती है, जैसा हज हो गया, उमरा हो गया, या उसके बाद नमाज होगी, इस पर हम बड़ा डिस्कशन करते हैं। तो जरूरत ये बात की है कि वो चीजें जो बुनियाद होती है किसी चीज या किसी अमल के करने के लिए, वो बुनियादों को ज्यादा अहमियत दी जाए उन अमल से, इसलिए कि वो बुनियादें वजह बनती है उस अमल के तकमील तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि मेरा तहारत वजह बनती है मेरी नमाजों के लिए, उसकी अगर तहारत दुरुस्त नहीं तो फिर नमाजों का मामला बहरहाल दुरुस्त नहीं हो सकता, याद रख। तो लिहाजा हम जितनी अहमियत इबादतों को देते हैं, फराइज को देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अहमियत वो चीजों को दीजिए जो उस चीज तक पहुंचाती है, उस इबादत को काबिल कबूल बनाती है अल्लाह के पास, याद रखिए। तो बहरहाल ये अमाल जो हम सीख रहे हैं ये भी इबादत है, पहली चीज। दूसरा, कुछ लोग ये गलत फहमी में होते हैं कि यार ये सब तो इसमें कुछ बातें ऐसी होती जो बहाई जैसी दिखती है, वो बहाई लेकिन होती नहीं है। एक चीज है किसी चीज को आपके नजदीक कुछ होना, और एक है शरीयत के नजदीक उसका मुकाम। तो याद रखिए अगर कुछ चीजों को हम बहाई समझ के तहारत के मसाइल को छोड़ देंगे तो बहुत सी बार अपनी इबादतों को हम इसी वजह से जाया कर देंगे कि हमें अपने नजदीक हमने सोच लिया कि ये बेहाई है, जिसके बुनियाद पर हम वो काम नहीं करते, या वो काम बोलते नहीं, वो काम में शर्माते हैं, और जिसके बुनियाद पर फिर हमारी इबादतें, नमाजें, रोजे, माफ करना, नमाज है, तवाफ है, वो इबादतें बहरहाल जिनका ताल्लुक तहारत से है, वो तमाम इबादतें हमारी जाया हो जाती है। तो इस मामले में जो है, जब मामला किताबो सुन्नत के सीखने सिखाने का है, तो इसमें खामखा की शर्म इख्तियार ना करें। शरीयत बहुत बाहा है,
शरीयत हमको हया का दर्ज देती है, लेकिन उसी बाहया शरीयत ने ये तमाम बातें हमको सिखाई। तो समझ में आ रही बात, ये बेहाय नहीं अगर हम ये बातें डिस्कस करते हैं। क्योंकि पिछली मरतबा मैंने कुछ बातें वजू के ताल्लुक से रखी, नवाकी से वजू, वजू किन चीजों से टूट जाता है रखी, और कुछ बातें आज गुसल के ताल्लुक से आएंगी जो और बड़ी जो ऐसे काम होते हैं जिनके इंसान जैसे कि नजासत गंदगी या जो है गिलाजत की और ऐसी बड़ी काम जो इंसान से होते हैं जिसकी बुनियाद पर उसका गुस्ल टूट जाता है। वजू जो टूटता है वह ऐसी नजासतें होती है जो छोटी हदस, ऐसी हदस है जो छोटी है फिर भी, लेकिन जब गुस्ल की बात आऊंगी तो आप ये गलत फहमी मुब्तला मत होइए कि ये तो बेहया ही है, बल्कि ये तो इल्म है, इसको सीखे बगैर हमारे पास चारा नहीं है अदर की। तो यहाँ खामोखा की हाय अख्तियार करना बहुत ज्यादा नुकसान का बायस हो सकती है। जैसा कि मैं एक वाकया बहरहाल पिछली बार सुनाया था, ये वाकया इसलिए सुनाता हूँ ताकि हम इससे बात को समझें कि एक मरतबा जो है एक खातून थे, वो हज के लिए गए। जब हजू गए वहां तो कुछ मसाइल तहारत के एतबार से उनको हो गए, जिसको पूछने में उनको हया महसूस हुई और उन्होंने वो बात अपने महरम को भी नहीं बताई कि ऐसा सा मसला है बहरहाल, और वहां से वो निकल कर आ गई। मतलब उन्होंने तवाफ इफाजा जो तवाफ होता है जो कि रुकन है हज का, वो नहीं किया, और चूंकि उनको हैज आ गया तो उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनकी नजदीक ये बेहयाई थी। और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान से जाने वाले के लिए हज बोले तो बहुत बड़ा वो चीज है, एक तो माली एतबार से बहुत बड़ा मसला है, फिर एक औरत को जाने का मौका मिल जाए ये और बड़ी बात है उसके लिए, इसलिए कि उसके लिए उसका महरम का साथ होना शर्त है, फिर अगर औलाद की पैदाइश होगी दीगर मसाल है तो फिर उसके लिए वो चीज चूक जाती है ना, जैसे शादीशुदा औरत है और अगर साल दो साल में उसको औलाद होती रही तो फिर बच्चों को ले जाना मुश्किल, तो उसके लिए तो बड़ा अहम था कि एक वक्त में सही फायदा उठा ले। लेकिन चूंकि उन्होंने इसको बेहाई का तकाजा समझा कि अगर मैं ये मसाइल पूछ लूं अपने महरम से या मौजूदा उलमा से, उन्होंने नहीं किया और खामोशी से निकलकर आ गई। हिंदुस्तान आने के बाद किसी ने एहसास दिलाया कि कम अज कम पूछ तो लो क्या हुआ, तो फिर मुझसे पूछा तो मैंने कहा ना आपका हज हुआ, इसलिए कि आपने एक रुकन छोड़ दिया, रुकन छूटने से इबादत जाया हो जाती है, तो तवाफ हिफाजा नहीं करने से हज नहीं हुआ। आप पर एक दम भी लाजिम आया कि आपने एक रुकन छोड़ के आ गए ना और हज भी नहीं हुआ आपका। अब देखिए कितने खर्चे की बात है, हिंदुस्तान से फिर जाना, साथ महरम का अगर उसका हज 1 लाख का है तो उसके महरम को साथ जाना पड़ेगा, उसके लिए उसका हज मिला के 2 लाख, सफर की तकलीफ है फिर से बर्दाश्त करना, बच्चे थे अगर छोड़ के गई थे तो वो बर्दाश्त करना, एक दम भी देना चूंकि उससे वो अगर दम तो यहां से भी वो किसी से बोलकर दे देंगे, कितने मसाइल हो जाते हैं ना। तो अगर वो इस मामले में वो हया के तकाजे ना रखती जो खामोखा की है, रियलिस्टिक होती, हकीकी दुनिया में जीते और जहां ये तमाम मामले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के साथ लगा दिए है, इन मामलात को उसी संजीदगी से ले जिस संजीदगी शरीयत ने बताया, खामोखा के हया के तकाजे ना रखे, तो इंशाल्लाह अजीज बहुत फायदा होगा। इसलिए कि शरीयत हमसे ज्यादा बहा है, वो जानती है क्या बताना है क्या ना बताना है, किस चीज को डिस्कस करना अच्छा है किसको डिस्कस करना अच्छा नहीं है, तो यहाँ शरीयत ने तमाम बातें बताई है। तो लिहाजा जब मैं कुछ बातें इसमें रखूंगा तो आप उसको खामखा की हया के ऊपर ना ले जाए। या बहुत से लोग होते भाई फैज भी बड़ी बेशर्मी से फला अल्फाज अदा कर देते फला कर देते हैं ना, बहुत सी बार होता है, और कुछ खवातीन मुझे बाद में वो भी दिया कि फैज भाई का इस्तगफार हम पढ़ते बैठते बोले इतने बार अल्फाज अदा करते कुछ भी और हमको इस्तगफार करना पड़ता है, इनका इस्तगफार पता नहीं कौन करता होगा। तो लिहाजा हमने कुछ चीजों को खामखा बहाई का तकाजा बना दिया ना, तो लिहाजा इस्तगफार कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खवातीन आती, मसाइल पूछती, सवालात करती, आपने कभी एक मरतबा नहीं आता किसी साहबिया को देखा और इस्तगफार पढ़ के मुंह फेर लिया कैसा सवाल कर रही है ये। हालांकि सहाबियात ने ऐसे ऐसे सवाल किए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चूंकि आप शारे थे, शरीयत सास थे, आप पर शरीयत उतर रही थी, अगर आप मुंह फेर ले आप इस्तगफार पढ़ दे तो क्या वो औरत फिर दोबारा और क्या सहाबियात हिम्मत करेंगे कोई सवाल करने का। तो ये शरी मसला था, सहाबियात जानती थी कि इसके बगैर हमारी इबादतें मुकम्मल नहीं होंगी, इसके बगैर दीगर इबादतें अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, तो लिहाजा सवाल तो करना है उन्होंने, ठीक है। तो बहरहाल उस चीज को, हाँ जाहिर सी बात है मैं आम डिस्कशन में किसी औरत से बैठकर ये सब बातें नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी मजालिस जहां लोग कॉमन है और लोग समझ रहे हैं और इल्म सीखने सिखाना का मरहला है, तो इन तमाम बातों को मैं समझता हूँ आप लोग उसी अंदाज से लेंगे, ठीक। तो आइए चंद बातें हम देखते हैं गुस्ल के ताल्लुक से, चूंकि हम वजू तक पिछली मरतबा पहुंच चुके थे, अब आइए गुस्ल के ताल्लुक से हम देखते हैं। सबसे पहली चीज तो गुस्ल जो है ये मारूफ है, मशहूर चीज है, और ये वो चीज है जो हमारी नमाज की और तवाफ की बुनियाद बनती है। जैसे कि नमाज और तवाफ दो ऐसी इबादतें जो बगैर वजू के नहीं होता, ये वजू इनके लिए शर्त है, तो वजू के लिए याद रखिए गुस्ल होना भी शर्त है। वजू गो एक मुस्तकिल इबादत है, वो अपनी जगह है कि अगर इंसान गुस्ल ना भी हो तो वजू कर सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर गुस्ल ना हो तो वजू करने से इबादतें नहीं कर सकता, वो दो इबादतें जिनके लिए गुस्ल जो है वजू शर्त है, याद रखिए, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि गुस्ल के बाद वजू हो तो वो दो इबादतें इंसान कर सकता है,
ٹھیک ہے. تو غسل ایک مشہور چیز ہے, اس کی مشہوریت اور یہ ایک معروف عمل ہے, اس کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا, اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں ان گنت بہت زیادہ بکثرت روایتیں آتی ہیں. صحابہ نے سوال کیا, آپ نے خود بیان کیا, اللہ نے کچھ مسائل آئے تو اس پر کچھ قرآنی آیتیں نازل کی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں فرمایا اور بیان کیا, وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَتَّحَّرُوا, کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے ٹھیک تو پھر وہ کیا کرے, وہ فتحرو کے اندر جو ہے غسل شامل ہے, یاد رکھے تو وہ پھر غسل کرے ٹھیک ہے. تو وضو کا انشاءاللہ ہم نے پہلے تفصیلات دیکھ چکے ہیں, ہم غسل کی بات کر رہے ہیں ابھی صرف ٹھیک. تو اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے جنوبی ہو جائے, حالت جنابت میں ہو, مطلب اس کا غسل ٹوٹ جائے, تو وہ کیا کرے, غسل کرے, طہارت حاصل کرے غسل کے ذریعے ٹھیک. اسی طرح دوسرے مقام پہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے, ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا, کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو, مگر یہ کہ راہ چلنے والے مسافر ہو. اگر مسجد سے جانا ہو یا گزرنا ہو تو انسان گزر سکتا ہے جنابت کی حالت میں, صرف گزرنا ہے, لیکن جب تک غسل نہ کر لے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اس سے پتا چلا کہ جس کا غسل نہیں اس کی نماز نہیں, یاد رکھی, جیسا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں, تو جس کا غسل نہیں تو اس کا وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں, ایسا بول سکتے صرف عبادت کے حد تک, ورنہ وضو ایک مستقل عبادت ہے, اس کو غسل نہ بھی ہو تو آپ کر سکتے, اس کا ثواب ملیں گا, لیکن جب عبادت کا معاملہ آئے گا تو پہلے غسل اور اس کے بعد وضو دونوں کا ہونا ضروری ہے, اس کے بعد ہی ہماری عبادتیں جن کے لیے وضو شرط ہے وہ قبول ہوتی, یاد رکھیں ٹھیک. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے, مل جائے, تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی حدیث میں دیکھیے غسل کے الفاظ آئے کہ جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جائے تو اس پر غسل واجب ہے ٹھیک. اور اسی طرح بہت ساری باتیں جو ہیں قرآن آیتوں میں آتی ہیں جس میں غسل کے تعلق سے بتایا گیا ہے. اب آئیے وہ کام جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے, اسی سے شروع کرنا پڑے گا اس کو, تاکہ غسل واجب کب ہوتا ہے اور پھر انشاءاللہ میں اس کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے کہ انسان پر, کب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے ٹھیک. تو اس معاملے میں یاد رکھیے چند ہی چیزیں ہیں, اس کو اگر یاد رکھ لیں تو بہت آسان ہوتا ہے, ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چیزوں کو یاد نہیں رکھتے اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں یہ ہوا یا نہیں ہوا, یہ کرا, جیسا کہ وضو ہے, وضو ہوا نہیں ہوا شک, غسل ہوا نہیں ہوا شک, نماز ہوئی نہیں ہوئی شک, یہ بندہ ہر عبادت میں شک کرتے ہیں. لیکن اگر آپ علم حاصل کریں یاد رکھیں مسائل کا, تو آپ کی عبادتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, آپ اس میں شبہات اور شکوک اور شیطان کی طرف سے جو وساوس ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے زیادہ تر. ایسے وساوس جو آپ کی عبادتوں میں شک ڈالتے ہیں کہ بھائی غسل ٹوٹ گیا ہوں گا, وضو ٹوٹ گیا ہوں گا, ہے نا, ناخن بڑے, پتہ نہیں نماز ہو رہی نہیں ہو رہی, مطلب علم ہی نہیں اس چیز کا, فلاں چیز ہوگی تو اب میری نماز پھونگی نہیں ہوں گی. تو اگر علم ہو جائے تو آدمی مضبوط ہوتا ہے, کم از کم اپنی عبادتوں میں وہ کشمکش میں نہیں ہوتا ہے اور ہاں اور نہ کے بیچ میں نہیں کرتا, یقینی کرتا ہے کہ عبادتیں ہو رہی میری ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہم سمجھیں, تو غسل کب واجب ہو جاتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں, مطلب کب غسل ضروری ہے. تو پہلی چیز جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے, یاد رکھیے جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے, یعنی مرد اور عورت جمع کر لے, ہم بستری کر لے ایک دوسرے سے, تب بھی غسل واجب ہو, خواہ منی نکلے یا نہ نکلے, دونوں ہی شکل میں جو غسل واجب ہو جاتا ہے ٹھیک. اس لیے کہ جو مسلم کی صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ سن کیا فرماتے ہیں, جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ منی خارج ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے, صرف لگ جانے سے. دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے, جب مرد کی ختنہ عورت کی ختنہ سے لگ جائے ٹھیک ہے, تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے, دونوں ہی باتیں ایک ساتھ یاد رکھی, ٹوٹ بھی جاتا ہے ان چیزوں سے اور واجب بھی ہو جاتا ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں غسل واجب ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹ جاتا ہے تبھی واجب ہو جاتا ہے ٹھیک. تو سب سے پہلی چیز جس وجہ سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بستری کر لے, جمع کر لے, چاہے منی خارج ہو چاہے خارج نہ ہو, دونوں ہی شکل میں اس شخص کو جو ہے اور اس عورت کو جو ہے, اس مرد کو مطلب شوہر کو اور اس بیوی کو, دونوں کو غسل لینا پڑے گا, یاد رکھیں. یہ پہلی چیز ہے جس پہ غسل ہم پہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے, یاد رکھیں ٹھیک. اسی طرح اور اگر نیند میں انسان ہو ٹھیک, اور نیند میں انسان اور منی خارج ہو جائے ٹھیک, مثال کے طور پہ آدمی نے کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے سے جس کو احتلام کہتے ہیں, بہرحال احتلام ہو جائے اور کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے منی خارج ہو گیا ہو, تو یاد رکھیے اس معاملے بھی غسل واجب ہے. ہاں اگر خواب دیکھا ہو لیکن منی خارج نہ ہوا ہو تو پھر غسل واجب نہیں ٹھیک. لیکن اگر خواب دیکھا ہو اور منی خارج ہو گیا ہو تو یاد رکھیے یہاں بھی غسل واجب ہے, اس کو احتلام کہتے ہیں. تو ایک جنابت جس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے,
जनाबत के अंदर चाहे मनी खारिज हो या ना हो, दोनों ही शक्लों में हो जाता है, ठीक है, या मुकम्मल अमल हो ना हो, सिर्फ दाखिल किया, किसी वजह से उसको दूर हट जाना पड़ा अपनी बीवी से, ऐसे मसाइल हो सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको छोटे बच्चे हैं, ठीक, कि इंसान जो अपनी बीवी के साथ जो है इरादा किया हो, दाखिल हुआ हो, बच्चा उठ गया, फलां हो गया, ये हो गया, तो इंसान दूर हट जाता है, लेकिन अब उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, फिर चाहे वो बाद में जिमा करे या ना करे, गुस्ल उससे वाजिब हो। वरना बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, ऐसा हुआ मैं क्या करूं, ठीक, तो उस पर गुस्ल याद रखिए वाजिब हो गया, क्योंकि यहां हालांकि मनी खारिज नहीं हुई लेकिन फिर भी हुआ, हो जाए तब भी हुआ, या इसी तरह एहतलाम हो जाए, मतलब नींद लगी, ख्वाब देखा और ख्वाब के बाद मनी खारिज होना शर्त है याद रखी, तो भी उसका गुस्ल जो है उस पर वाजिब हुआ, और एहतलाम मर्द को भी हो सकता है, एहतलाम औरत को भी हो सकता है, तो इन शक्लों के अंदर गुस्ल जो है एक शख्स के ऊपर या उस औरत पर या उस मर्द पर याद रखिए गुस्ल वाजिब हो जाएंगे याद रखिए। अब जरूरी है, फर्ज है उसके ऊपर कि वो गुस्ल ले ले, और ये चीज गुस्ल को तोड़ भी देती है, इसीलिए उस पर गुस्ल वाजिब और फर्ज हो जाता है, ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल कुरान की जो एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी, सूरह मायदा की आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, और अगर तुम जो है जुनूबी हो तो नहा लिया करो, ठीक, अगर तुम में से कोई शख्स जनाबत की हालत में हो तो वो गुस्ल ले ले, एक बात ये थी। दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की एक रिवायत है, आपने फरमाया कहा, जब दोनों की शर्मगाहें आपस में मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, ठीक, इसलिए मैंने कहा मनी खारिज है ना, जब दोनों की शर्मगाहें मिल जाए तो गुस्ल उन दोनों पर वाजिब हो जाता है, ठीक। तो ये पहली शक्ल थी गुस्ल के लिए, ठीक, जिसका ताल्लुक शर्मगाह से था और जिसका ताल्लुक, ठीक, मनी के खारिज होने से था, चाहे वो बीवी से हम बिस्तरी की शक्ल में हो या सिर्फ मिलने से हो जाए कि दाखिल हुआ लेकिन अभी मनी ना भी निकला हो, या इंसान एहतलाम हो जाए, मर्द हो या औरत हो, तो गुस्ल वाजिब हुआ। दूसरी शक्ल जिसमें गुस्ल वाजिब हो जाता है वो ये है कि महावारी या निफास के खून के बुनियाद पर, ठीक, ये किसी को वो मसला जो हर औरत को हर महीने होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहरहाल ये एक रहम है, मैं इसकी तफसीलात इंशाल्लाह आगे रखने वाला हूँ, वरना बहुत से लोग इसको एक सजा समझते हैं और उसके पीछे का अकीदा भी होता है लोगों का। अकीदा ये है, क्योंकि हव्वा ने जो है आदम को बहका, इस तरह से बहरहाल एक अकीदा उमूमन होता है, चलन में है, मैं जानता हूं कि हव्वा ने चूंकि आदम को बहकाया था तो महावारी का खून जो उसको मेंसेस होता है वो अल्लाह ने सजा के तौर पर दिया बोलकर ऐसा अकीदा अफसोसनाक बातें मुसलमान औरतें रखती है, ठीक, जबकि ये अल्लाह की तरफ से एक रहम है, इसलिए कि इसके रहम होने की दलील ये है कि जब औरत को औलाद पैदा होने वाली होती है तो ये खून आना बंद हो जाता है, इसीलिए कि इसी जगह से फिर बच्चे की नाफ जुड़ जाती है और मुकम्मल खून का दौरान वहां से शुरू हो जाता है, तो ये रहम है अल्लाह की तरफ से। एक औलाद की पैदाइश से पहले अल्लाह उसके रहम को तैयार कर देता है, ये खून जो हैज में निकलता है जब इंसान को औलाद होने वाली होती है तो औरत का खून बंद हो जाता है, तो दरअसल बंद नहीं होता, वही खून जाके उसके नाफ से लग जाता है और उसकी बॉडी में उस बच्चे में सर्कुलेशन में आ जाता है, समझे आप, तो ये रहम है। तो जहां ईसाइत के नजदीक और यहूदियों के नजदीक हैज आना सजा है औरत को, और दीगर तकरीबन तमाम मजाहिब में यही मामला है जिसके बुनियाद पर हैज आता है तो औरत को घर से अलग कर देते हैं, उसके हाथ का खाना नहीं चलता, पानी नहीं चलता, शरीयत ने यह बताया कि ये तो औरत पर अल्लाह का रहम है कि उसने जो है औलाद की पैदाइश से पहले उसको तैयार कर दिया। बहरहाल चलिए, तो हैज और निफास के खून के आने से जो है याद रखिये गुस्ल वाजिब हो जाता है, ये दूसरी शक्ल है, ठीक है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इसके ताल्लुक से सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 222 में फरमाता और कहता है, फअतज़िलुन निसा फिल महीज वला तक़रबुहुन्न हत्ता यतहुर्न फ़इज़ा ततहहरन फअतुहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह। देखिए आयत का तर्जुमा यह है, हैज के दिनों में औरतों से अलग रहो और पाक होने तक इनके करीब ना जाओ, जब पाक हो जाए तो जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है जा सकते हो। तो यहां देखिए दूसरी बात आ गई कि अगर औरत को हैज आ जाए तो इंसान उसका गुस्ल उस पर वाजिब हो जाता है, और एक बात यह भी पता चली कि इस दौरान आदमी जो है औरत से हमबिस्तरी नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यहां क्या बयान किया, तो अलग रहो, तो ये अलग उसी माने में है याद रखिए कि उससे हमबिस्तरी ना करो, इस माने में नहीं है कि उनको घरों से निकाल दो या खुद घर से निकल जाओ, यकीनन इस माने में नहीं, या उनको अलग कमरों में कर दो और खुद अलग कमरों में, इस माने में नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमको देखना पड़ेगा कि इस आयत पे आपने कैसा अमल किया, अपनी अकल नहीं, चूंकि जाहिर तो ऐसी दिख रहा है कि उनको
अलग रहो, है ना, तो हम समझे अलग अलग से ही मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से माँ आयशा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मांडी पर लेटते और तिलावत कुरान करते जबकि मैं हैज की हालत से होती। तो अलग करने से मुराद क्या है, हम बिस्तरी मत करो बस ये माना है, अलग कर दो से मुराद अलग घर अलग कमरा नहीं है, होता तो आप सब क्यों पढ़ते। इसी तरह वो कहती है कि मैं हैज की हालत से होती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक बार कहा कि मस्जिद जाकर चटाई ला बिछाने की जो होती, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं तो हायजा हूं, तो कहा क्या हैज तेरे हाथ में आता है, अगर नापाक नहीं है तुम जाके ला सकते, तुम्हारा हाथ नापाक नहीं है, इसके वजह से तुम नमाज अदा नहीं कर सकती हो, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम नजस हो चुके हो, इसलिए कि मोमिन नजस नहीं होता, याद रखी। हाँ मुशरिक जो है जहरी एतबार से नहीं लेकिन उसके अकीदे के एतबार से नजस है, मुशरिक भी जहरी नजस नहीं होता, याद रखिए कि आप अगर इन्नमल मुशरिकून नजस कुरान ने कहा कि मुशरिक नजस नापाक पलीद है तो इसका मतलब वो जहरी नहीं है, जहरी गिलाजत नहीं है, उसका मतलब ये उसके अकीदे की वजह से वो नजस है। तो मोमिन अपने अकीदे की वजह से कभी नापाक नहीं होता, नजस नहीं होता, याद रखिए। ठीक है, तो कहा क्या हैज तेरे हाथ में आता है, मतलब मैं तो हाथ की बात कर रहा हूं, हाथ तो पाक है तेरे, उठा के लाने में क्या हर्ज है। ठीक है, तो ये रिवायतें इसकी दलील है, याद रखी। इसी तरह माई आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं कंघी करती, सर में तेल लगाती, आपका सर धोती जबकि मैं हैज की हालत से होती। तो अलग कर दो मैं मुराद कमरा अलग घर अलग नहीं है, सिर्फ हम इस तरह नहीं करना, इसलिए कि उस हालत में आपका सर धो रही है वो, आपके सर में तेल लगा रही है, सर की मालिश करी। इसी तरह मैमूना रजी अल्लाह अन्हा जो महात में से ये भी है, वो कहती है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास होते और फजर से पहले आप कुछ नमाजें पढ़ते तो जो चादर मैं हैज की हालत में होती ओढ़ी हुई होती उसी चादर का एक हिस्सा लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नमाज पढ़ते। अगर अलग कर दो से मतलब अलग कमरा अलग घर होता तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ओढ़ी हुई चादर को आधी वो ओढ़ी हुई और आधी बिछाकर नमाज पढ़ते उस पर? नहीं, आप फौरन कह देते कि भाई सब निकल जाओ यहां से, अब इसलिए तुम सब नापाक हो चुके हो। ठीक है, तो यहां इससे मुराद ये है, वरना बहुत सी जगह ये होता है कि लोगों को औरतों को अलग कर दिया जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है अंदर की। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यहां जो है हैज की हालत के तालु से बताया गया। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जितने दिन तुझे हैज आता था इतने दिन ठहरी रहे फिर गुस्ल कर ले। एक सहाबिया ने उनसे सवाल किया नमाज के ताल्लुक से हैज का, तो कहा जितने दिन हैज आता है ठहरी रहे और उसके बाद नमाज पढ़ ले। तो हैज वो खून है जो एक औरत को आता है बिना किसी जख्म के, जो उसके रहम से निकलता है, जो मखसूस अय्याम में महीने के आगे पीछे हो सकता है कुछ, लेकिन मखसूस अय्याम जो उसे पता होते हैं उसमें निकलता है और उसका मखसूस एक रंग होता है जिससे पहचान सकती है कि हैज का, और उससे अलावा जो निकलता है उसको शनाख्त होती है हैज का नहीं है। बहरहाल इसको हैज कहा जाता है। अब निफास क्या है? निफास वो खून होता है जो औलाद की पैदाइश के बाद निकलता है, जिसकी मुद्दत जो है मुख्तलिफ औरतों को, और हैज और निफास दोनों की मुद्दत मुख्तलिफ औरतों को मुख्तलिफ इलाके के एतबार से, सर्द और गर्मी के एतबार से, जसामत के एतबार से, दुबले और मोटे होने के एतबार से, हालत के एतबार से मुख्तलिफ आती है, नस्ल के एतबार से मुख्तलिफ होती है। इसमें कोई जिसको कहेंगे कि रिजिड रूल नहीं कि ऐसा 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 होता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक, उमूमी एतबार से जो बताया जाता है वो ये आता है कि साइंसी एतबार से बहरहाल यह है कि 1 से लेकर 7 दिन और 7 दिन से लेकर 15 दिन मखसूस औरतों, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, लेकिन उमूमी एतबार से 1 से लेकर 7 दिन हो सकता है। ठीक, या 1 या 3 होता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या कुछ मखसूस को 15 भी हो सकता है खासतौर से, याद रखें। निफास वो खून होता है जो पैदाइश के बाद आता है, इसकी मुद्दत कोई तय नहीं शरीयत में, कुछ भी हो सकता है। अफसोस की बात है लेकिन हमारे पास मुसलमानों में तय मुद्दत है, कितनी? 40 दिन फिक्स। 40वां दिन हुआ फिर औरत नहाती है और उसके बाद क्या होता है? चिल्ला, उसकी एक दावत दी जाती है, है ना, आप और मैं जाते हैं और खूब चूर के खा के आते हैं ना। चिल्ला मतलब ये बहरहाल क्या बोले, अब क्या बोले इसको, इसको आम जमाने वलीमा सानी बोल सकते हैं। वो ऐलान करता है कि भाई अब मेरी बीवी मुझ पर हलाल है। कैसी मतलब अजीब बात है, अल्लाह रहम करे हम पर। 40 दिन चूंकि हो गए, अब वो 40 मतलब चूंकि कुछ लोगों के एतबार से 40 दिन ही वो होता है, फिक्स है, बना लिया गया है, तयशुदा है, तो लिहाजा अब 40वें दिन चूंकि वो पाक हो रही है तो ऐलान करा जा रहा है लोगों में कि भाई फिर से अब मेरे लिए हलाल हो रही है। क्या बेहूदा और बेशर्मी की बहरहाल रसूमा थे, अल्लाह रहम करे बहरहाल। ठीक है, तो फिर वो जो है उसके लिए प्रोग्राम रखते हैं, ऐसा कोई हकीकत नहीं है। और ऐसा कितनी बार होता है कि औरतों ने, घर की बड़ी औरतों ने, और मैं अक्सर ये कहता हूं बहरहाल, औरतें इसको बुरा ना लगने दे और मुझसे बदला लेने की ना ठान ले, बहरहाल एक आम बात बहरहाल मैं बोलता हूं, और बिलखसूस बूढ़ी औरतें, बहरहाल मेरे से बदगुमान ना हो, मैं तो उनकी दुआओं का जो है तालिब हूं, लेकिन बहरहाल जो दीन हमारे पास चलता है उस दीन को मैं अपनी जबान में कहता हूं बूढ़ियों का दीन। हमारे पास जो इस्लाम है वो बूढ़ी औरतों का इस्लाम है। शादी ऐसी क्यों? दादी बोल रहे, मतलब वो बूढ़ी का दीन नहीं है, शरीयत का, अल्लाह रसूल का दीन नहीं होता है।
ये हैज और निफास की मसाइल ऐसी क्यों? दादी अम्मा, फुप्पू अम्मा, ये अम्मा, वो खाला, वो तई, वो चच्ची, वो बूढ़ी औरत, वो उन्हों ऐसा बोलते तो वो करना है। शरीयत तो नहीं बोलती, नहीं नहीं फिर भी हम 40 दिन का ही रखेंगे। क्यों? उन्हों बोल रहे हैं 40 दिन तक औरत नापाक रहती, क्यों? शरीयत में तो नापाक ही है ही नहीं। नहीं नहीं उन्हों बोल रहे ना बड़े, इसमें मर्दों का मदाखलत नहीं है, औरतों का दिन रहता है। ये शादी से पहले ऐसे रसूमात क्यों? नहीं 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 दादी बोल रहे थे इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, नानी बोल रहे थे। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिलीजन चलता है इस्लाम, वो बूढ़ियों का दिन है, वो दिन नहीं है जो अल्लाह ने भेजा अपने नबी के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा के जरिए हम तक पहुंचा, वो दिन नहीं है। ये बूढ़ी औरतों का दिन है, वो जो बोलेंगी वो होगा। सेहरा बांध दो तो बांधना है, दादा तो नहीं बढ़ लेकिन दादी की बड़ी ख्वाहिश है मरने से पहले कि पोते को जो है सेहरे में देख लें। उनको ये ख्वाहिश नहीं है कि जब जाने का वक्त है कम से कम आप तो किताब सुन्नत पे आ जाऊं, लेकिन मरते वक्त ये ख्वाहिशात पूरी वाकई। मरने तक अपनी बहुओं को डिक्टेट करते रहेंगे कि हैज़ और निफास की मसाल वो है जो मैं बताऊंगी, शरीयत के मुताबिक नहीं। हमारे खानदान में 7 दिन औरत हैज़ा रहती है तो 7 दिन रहो, आता है नहीं आता रहो बस। समझ रहे आप बात? बूढ़ियों का दीन, ठीक। तो बहरहाल मैं औरतों के खिलाफ भी नहीं हूं, बिलखुसूस बूढ़ी औरतों के नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि औरतें अगर इल्म ना हो तो खामखा दीन में तब्दील लाने की कोशिश ना करें, और ये जसारत बहुत बहुत बड़ी चीज होगी आखिरत के एतबार से, याद रखिए किताब सुन्नत के मुताबिक। और अफसोस हमारे पास जो तहारत के मसाइल अक्सर चलते हैं वो तहारत के मसाइल किताब सुन्नत के मुताबिक मैं कह रहा हूं नहीं है, वो अक्सर तहारत के मसाइल या तो यहूदी रिवायतियों की बुनियाद पर है या नसरानी रिवायतों की बुनियाद पर, जिसको इसराइलियत बोलते हैं। इसराइलियत के मुताबिक एक औरत 40 दिन तक जो है निफास की हालत में रहती है और 40 दिन पाक होती है। ये बाइबल की रिवायत 40 के लफ्ज के साथ मुसलमानों मीनू नान ले लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? खून आए तो ठहरी रहे, रुक जाए तो गुस्ल कर ले, खत्म। गुस्ल कितना सादा है, औरत जमीन जमाना हालात से तुम्हारे जो भी हालात हो आए तो मत पढ़ो, रुक जाए तो पढ़ लो, मतलब गुस्ल कर लो पाक हो गई। तो अब इंसान को औलाद पैदा हुई एक औरत को, 10 दिन खून आया, 11 दिन बंद हो गया, 12 दिन नहीं आया, खत्म, गुस्ल हो गया, नमाज शुरू हो गई। समझे बात को? ये माना है नहीं नहीं हम तो 40 ठहरे रहेंगे इसलिए कि हम बाइबल पर ज्यादा एतमाद करते हैं बनिस्बत किताब और सुन्नत की रिवायत। देखिए आप, ये कॉमन है, ये अलग बात है कि ये चीजें जाहिर नहीं होती है, लेकिन चूंकि मुझ तक बहुत सारे सवाल आते थे, मसाइल मेरे सामने आते रहते कि भाई फला ये है, दादी ये बोलते, चची ये बोलते, हमारे घर में ये ऐसा ना करे तो हमको बोल रहे कि तुम घर से चल जाओ मियां बीवी, इसलिए कि तुम्हारे वजह से नहुसत आ रही पूरे घर में। एक साहब ने जो है अपने घर के अंदर जो अकीका रख लिया, अब अकीका जब रखा तो 40 दिन के अंदर रख लिया उन्होंने, तो उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया, उस औरत को भी उस अपने बेटे को भी। जाओ बोले, इसलिए कि अभी छोत के दिन थे उसके, बोले अभी नापाकी के दिन थे तुम्हारी बीवी के और तुम अकीका कर रहे, बोले तुम पर लाना था, बोले निकल जाओ वहां से। तो उन्होंने खैर बहरहाल वो अड़ गए थे, कहा अकीका तो करके रहूंगा जी, दूसरी जगह दावत के घर वालों को ला जाओ, यहाँ अकीका तो होने वाला, अब इसलिए कि क्या लगा रखा है। हमने दीन और शरीयत को मजाक और खिलवाड़ समझा, याद रखी बहरियान। तो दूसरी चीज हैज और निफास, इसकी कोई तयशुदा वक्त नहीं है, इसकी कोई तयशुदा अय्याम नहीं है, हर औरत जमीन जमाने माहौल हालात के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक। तीसरी चीज, इस्लाम कबूल करने पे भी एक इंसान को नहाना पड़ता है, याद रखी, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा के अख्वाल है इस्लाम लाने के बाद कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस्लाम कबूल किया तो मुझे आपने नहाने का हुक्म दिया, ठीक। बहुत सारे सहाबा की भी रिवायतें, सहाबियात की भी रिवायत है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आपने मेरा इस्लाम कबूल किया और कहा फला जगह जाकर तुम गुस्ल ले लो, ठीक। तो इससे भी पता चला कि इस्लाम लाने से गुस्ल एक इंसान पर वाजिब हो जाता है। और इसके ताल्लुक से जो रिवायतें आती हैं बहरहाल वो बहुत सारी है, जैसे कि एक रिवायत है कि सही मुस्लिम की रिवायत है और सुमामा बिन असाल अल हनफी, याद रखिये कबीला हनफिया के थे, हनफी बोले तो आप हनफी शाफी मत समझिए, ठीक है, उस कबीले से इनकी नस्बत थी इसलिए अल हनफी उनके आगे लगा हुआ है। जब उन्होंने इस्लाम किया तो कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गुस्ल का हुक्म दिया कि जाओ गुस्ल करो इसलिए तुमने इस्लाम कबूल किया। तो ये तीसरी चीज। चौथी चीज जो है मौत जो है उससे भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को गुस्ल देने का हुक्म दिया रखे, तो मौत भी जो है गुस्ल को जो है वाजिब कर देती है। और इस ताल्लुक से बहुत सारी सही रिवायतें मौजूद हैं कि मौत से गुस्ल इंसान पर जो है वाजिब आ जाता है। तो ये चंद मुकामात थे जहां गुस्ल वाजिब होता है, और वो चार ही चीजें याद रखी इतनी है जिससे गुस्ल आप पर वाजिब होता है। इसके अलावा तमाम चीजों में गुस्ल जो है मुस्तहब होगा, मैं आगे रखूंगा कहां कहां गुस्ल मुस्तहब है, अभी हम सिर्फ वहां वो बातें रख रहा था जहां वाजिब हो जाएंगे। तो इन तमाम हालात में आप पर गुस्ल या मुझ पर गुस्ल या मर्द हो इस उम्मत के या औरतें हो इस उम्मत की उन पर गुस्ल वाजिब आ जाएगा, जिसके अंदर से तीन बातें तो कॉमन है मर्द और दोनों के लिए कि जैसा कि एहतलाम हो जाए,
या हम बिस्तरी करें, दोनों के लिए। इसी तरह इस्लाम कबूल कर ले या मौत आ जाए, दोनों के लिए। हैज और निफास का मामला सिर्फ औरतों के लिए, तो औरतों के लिए चार चीजें जिनसे उसका उनका गुस्ल उन पे वाजिब होता है, मर्दों के लिए तीन चीजें जिनपे गुस्ल वालू होता है। मुसलमान होने की वजह से एक चीज और कम हो जाती है इस्लाम कबूल करते, सिर्फ दो चीज बाकी बचती है हमारे पास जिससे हम पे गुस्ल वाजिब आ जाते हैं बस, और उसमें भी हम मर जाते हैं तो गुस्ल दूसरे कराते, तो एक ही चीज याद रखना आपको गुस्ल के लिए। मौत होती है तो हम थोड़ी गुस्ल करते, लोग कराते तो उनको याद रखना चाहिए कि मुझे गुस्ल कराना है, उनको मैं तो नहीं करूंगा, तो एक ही चीज याद रखना है आपको, है ना। लेकिन इतने पे भी कंफ्यूजन, इतने पे भी कंफ्यूजन, मैंने फलां किया मेरा गुस्ल बाकी है नहीं है, मैंने ये खा लिया मेरा गुस्ल बाकी है नहीं है, मैंने वो देख लिया मेरा गुस्ल रहा है नहीं रहा, मैंने इतना वाजे है उसके बाद भी शुकूक और शुबहात अपनी इबादत में नहीं होना चाहिए ना, ठीक। तो कितना आसान है, देखिए एक ही चीज मैं समझ रहा हूँ जो जाहिर है, एक चीज औरतों के लिए खास, एक चीज मर्द औरत दोनों के लिए, और दो चीजें एक इस्लाम कबूल करने वाले के लिए, तो मेरे लिए नहीं, कोई नॉन मुस्लिम हो तो उसको आप करवा सकते हैं, आपके सामने कबूल करें, और एक मर जाए तो वो मैं भी नहीं करूंगा, आप भी मर जाए तो आपके लिए भी कोई दूसरा करेगा, औरतें मरे या मर कोई दूसरा करता है वो उनको याद रखना चाहिए कि मुझे गुस्ल कराना है। तो सिंपल एक ही चीज हमारे लिए बचती है जिसको याद रखना है जहन में, औरतें दो चीजें याद रख ली, हम बिस्तरी और हैज निफास, मर्द एक ही चीज याद रखे कि एहतलाम हो जाए, मनी खारिज होना इसमें शर्त है, या अपनी बीवी से हम बिस्तरी की नीयत करे और करना शुरू करे लेकिन उससे मनी खारिज होने से पहले कुछ वजह से अलग हो जाए कुछ ही वजह, तो बहरहाल उस मामले में उस पर जो है गुस्ल वाजिब आ जाता है। तो ये थे जहां गुस्ल हम पर वाजिब आ जाता है या गुस्ल टूट जाता है या जिसकी वजह से गुस्ल करना हम पर जरूरी है, ठीक। चलिए आइए अब इसके बाद वो कौन सी चीजें होंगी जिसके अंदर गुस्ल लेना मुस्तहब है। मुस्तहब समझ रहे आप, अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, याद रखिए मुस्तहब है। कौन कौन सी है, जुमा के दिन गुस्ल लेना मुस्तहब है, हालांकि इसके लिए अल्फाज वाजिब के भी आए हैं हदीस में, लेकिन उलमा कहते हैं कि बहरहाल फिर भी ये जो है मुस्तहब की शक्ल है, बहुत अच्छी बात है, अफजल है, ठीक। तो जुमा के दिन गुस्ल लेना मुराद जुमे की नमाज के लिए, लेकिन जुमा बोलते तो आप जुमा पढ़ लेंगे और उसके बाद गुस्ल लेंगे, चूंकि जुमा तो चालू है मगरिब तक, मतलब जुमे की नमाज के लिए। दूसरा ईदैन के लिए मुस्तहब है, कोशिश करें कि ईदैन की नमाज को आप जाए तो गुस्ल लेके जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। या जुमा के लिए गुस्ल लेना सुन्नत मौकेदा भी कहला सकता है, इसलिए कि आप सबने उसको वाजिब करार दिया, बहरा ईदैन के उसमें दूसरी जगह। तीसरा जो है मैयत को गुस्ल देने वाला भी गुस्ल ले, ठीक, मैयत को गुस्ल देने वाला भी गुस्ल ले, मैयत को कांधा देने वाला जो है वजू करे, ठीक। इसी तरह चौथी चीज जो है अहराम बांधने से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा गया आप जो है आपने जो अहराम बांधने से पहले जो गुस्ल किया। इसी तरह जो मक्के में दाखिल होने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल होते तो एक रात पहले एक मुकाम पर रुकते, वहां आराम करते, गुस्ल लेते और फिर मक्के में दाखिल होते। तो मक्के में दाखिल होने से पहले पांचवी जगह। छठी चीज जो है इस्तेहाजा वाली औरत भी गुस्ल कर सकती है चाहे तो, ये मुस्तहब है, उसके लिए फर्ज नहीं होता, इंशाल्लाह आगे तफसीलात आने वाली है। इस्तेहाजा वो खून होता है जो हैज से हटकर कभी यूं ही आ जाता है, जिसका रंग हैज के खून से अलग होता है, लिहाजा उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। मुस्तहब है, हालात है, सहूलत है तो ले ले, नहीं तो कोई मसला नहीं, सिर्फ शर्मगाह धो ले, कपड़े का वो हिस्सा धो ले तो वो पाक है, वजू कर ले और नमाज पढ़ सकती है, ठीक। सातवीं जगह जहां इंसान गुस्ल लेगा मुस्तहब है वह गशी, कोई बेहोश हो जाए, गशी तारी हो जाए, उठ जाए, तो ये भी मुस्तहब है कि गुस्ल ले ले, इसलिए कि पता नहीं उसका जब गशी तारी हुई तो क्या मामला हुआ, ठीक है, तो बेहतर है। आठवीं जगह जहां आप गुस्ल ले सकते हैं मुस्तहब है वो ये है कि मुशरिक को दफनाने के बाद। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ने एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और कहा मैंने अपने वालिद को दफना के आया हूं, तो आपने कहा फिर तो गुस्ल ले ले। तो इससे कुछ ने कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम को आपने दफनाया है तो फिर बहरहाल उसके लिए जो है गुस्ल जो है मुस्तहब है, आपने उनको कहा लेकिन उसको वाजिब नहीं करा, बहरहाल तो कहा कि तू फिर गुस्ल ले ले, ठीक है। इसी तरह जो नवी चीज जहां वो हो सकता है कि हर जिमा से पहले इंसान गुस्ल ले, अगर उसकी एक से ज्यादा बीवियां हैं और वो चाहता है कि एक ही रात में सब बीवियों के पास जाए तो मुस्तहब है लेकिन जरूरी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी एक रात में कई बीवियों से जिमा किया जिसमें आप हर बीवी से पास से निकलने के बाद गुस्ल लेते और फिर दूसरी के पास जाते हैं, और जब आपसे दरियाफ्त किया गया कि अल्लाह के रसूल एक गुस्ल भी तो काफी था, तो कहा मैंने बेहतर समझा पाकिजगी के, ज्यादा नजदीक था और अच्छा था कि मैं गुस्ल ले लूं, तो इससे पता चला वाजिब नहीं है मुस्तहब है। जैसा एक इंसान को एक से ज्यादा बीवियां हैं वो सबके पास जाना जाता है तो मुस्तहब है, और मेडिकली इसकी बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है याद रखिए। और जहां एक ही बीवी से आपको एक से ज्यादा बार हम बिस्तरी करना है एक रात में तो तब आपको जो है वजू करना चाहिए बीच में, एक जिमा के बाद वजू फिर दूसरी बार, ये भी मुस्तहब है, वाजिब और फर्ज नहीं है, लेकिन ये भी तहारत से बड़ा करीब है याद रखिए। और एक से ज्यादा बीवियां मतलब इंसान चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है फिर गुस्ल लेना ये बेहतर है, खैर मुस्तहब है लेकिन कोई वाजिब नहीं याद रखिए, तो आप उसको वजूब की हद तक न ले जाए कोई मसला नहीं उसको, ठीक। तो ये वो मुकाम थे जहां गुस्ल टूट जाता है गुस्ल वाजिब है, ये वो मुकाम थे जहां गुस्ल मुस्तहब था। और वल्लाह वाला मैंने तकरीबन तो रखी, बहरहाल कुछ हालात हो सकता छूट गए होंगे तो सवाल जवाब में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल अब गुस्ल के फराइज और सुन्नतें क्या है,
बहुत सादा सीधा है और वजू के मुकाबले में बहुत थोड़ी सी बातें याद रखना है तो गुस्ल की आपको याद हो जाएंगे, वरना गुस्ल इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है हमारे पास कि हर आदमी परेशान है गुस्ल क्या करना है, गुस्ल क्या करना है, गुस्ल क्या करना है। बहरहाल तो गुस्ल बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा है, ठीक है, जिसको आप भी याद रख सकते हैं। बहरहाल ठीक, तो गुस्ल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं उसके फ़राइज़ क्या है, फ़राइज़ क्या है। ठीक, अब याद रखिए हर शख्स को ये फ़राइज़ याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस पर अमल करना ज़रूरी है। कभी होता है इंसान ऐसा गिन नहीं सकता कि क्या क्या सुन्नत है वजू की, लेकिन वो अमल में लाता है बराबर कि हाथ धोता है 3 बार, कुल्ली करता है 3 बार, नाक में पानी लेता है ना, लेकिन उसको बोलने कहे तो वो कभी कभी अटकता है, क्यों, तो वो तरतीब में याद नहीं करता है ना उसको कि पहली सुन्नत, दूसरी सुन्नत, तीसरी, या पहला वाजिब, दूसरा वाजिब, तीसरा। लेकिन अमल करना असल है, याद रखिए। तो याद ना भी हो तो कम अज कम अमल करे। जैसा होता है ना किसी से पूछ ले कि ये नून खुतनी का क्या फायदा है इसके अंदर, खैरत के अंदर, तो बोलता है फायदा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पढ़ना है उतना याद आ रहा है कि यहाँ नून लगेगा नीचे, समझ रहे, क्यों, तो क्या होता है वो बहुत दिन पहले पढ़ता है ना, तो उससे भूल जाता है, लेकिन अमलन वो बराबर नून को पढ़ता अदा करता है, लेकिन उसूल उसको याद नहीं रह पाते हैं कि भाई यहाँ क्या उसूल के तहत आएगा। तो कम अज अमल हो अगर याद ना भी हो, लेकिन याद रखने से बहुत फायदे होंगे आपको इंशाल्लाह, अपनी इबादतें मजबूत रहेंगे आप, ठीक है। बहरहाल तो गुस्ल के लिए जो है हर इबादत के लिए जो चीज सबसे अव्वल है वो है नियत का करना, और नियत दिल का इरादा है। इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि नियत दिल का इरादा है, ये मैं बहुत तफसील में पहले ले चुका हूँ, नियत उसके मसाइल में ले चुका हूँ। तो नियत दिल का इरादा है, तो गुस्ल के लिए सबसे पहले आप नियत करें कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ, ठीक, ये उसकी नियत है, और हर काम से पहले नियत करे, और नियत दिल का इरादा होता है, याद रखिए। हम में से उमूमन लोग बदनीयत नहीं होते, बेनियत होते, बस हम लोग बहुत सी बात, तो नियत कर लिया करें, इसलिए नियत करने से एक मुबाह अमल, एक जायज अमल पे अगर नियत दुरुस्त हो जाए तो बाय से अजर सवाब हो जाता है वो भी, ठीक। तो सबसे पहले चीज जो है नियत कर ले। दूसरा काम ये करना है नियत करने के बाद, जिस्म के हर हिस्से तक जहां जहां आप कर सकते हैं पानी को पहुंचाए, हाथ के जरिए आप जहां जहां आप कर सकते हैं मुकम्मल तौर से जिस्म के हर हिस्से पर पानी पहुंचाए। और तीसरी चीज जो है उंगलियों का खिलाल करे, कुल्ली करे, नाक में पानी ले, और जिस्म का कोई हिस्सा जो है आप सूखा न रहने दे। तो बहरहाल इसको कोई हम 1, 2, 3 के ऑर्डर में नहीं कर सकते, एक सिंपल बात ये कहूंगा, नियत कीजिए, पूरे जिस्म को मुकम्मल भिगा लीजिए और कुल्ली और नाक में पानी ले लीजिए, बस ये इसके फराइज़ है, समझ लीजिए, ठीक। ये इतना ही बहरहाल सादा है कि जिस्म मुकम्मल तौर से भीग जाए, इंसान का मुकम्मल हो जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली भी की, नाक में पानी भी लिया, तो बहरहाल आप ये भी इसमें जो है डाल दें, ठीक। कुछ उलमा ने बहरहाल कुल्ली करने और नाक में पानी लेने को इसकी सुन्नत करार दिया है, ठीक, वल्लाहु आलम बहरहाल। लेकिन इससे पहले मैंने वजू में तफसीलात रख चुका था कि उनकी दलील क्या है जिसने कहा कि कुल्ली और नाक में पानी लेना ये जो है वजू के भी वाजिब होने में है, मतलब वाजिबात में से है। उनकी दलील वही थी कि फितरत का हिस्सा है, इसलिए फितरत में नाक में पानी लेना, तो कहा चूंकि फितरत का हिस्सा लिहाजा ये भी जो है उसके फराइज़। लेकिन बहरहाल तो गुस्ल के अंदर वल्लाहु आलम बहरहाल जो बेहतर है, लेकिन आप, मैं समझता हूँ, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हर उस हिस्से पे पानी पहुंचाए जहां आपको शक हो कि पानी नहीं पहुंच सकता है, जैसा बगल का निचला हिस्सा हुआ, नाफ हुआ आपकी, ठीक, नेवल जिसको कहते, वो भी आम जबान में जो कहते हैं, ठीक, नेवल, उसमें चूंकि उसमें पानी उमर नहीं जाता, और खासतौर से कम पानी हो तो फिर डायरेक्ट डालने में नहीं पहुंच सकता है, तो कोशिश करे। और पैरों का पीछे का हिस्सा हो सकता सूखा रह जाए, या बैठ के गुसल कर रहे तो पैर मुड़ने से क्या होगा, वो सूखा रह जाएगा, तो उसमें पानी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बगल के नीचे हिस्से में जब तक आप पानी ना डालें, उमन ज्यादा पानी हो तो फिर तो बहुत सा बहने से भीग जाएंगे, कम पानी में नहीं हो सकता, कानों के अंदर, ठीक है, इसको आप करें, ठीक है। तो ये आप कोशिश करें, जिस्म का मुकम्मल, जिस्म का गुस्ल में भीगना याद रखिए, जरूरी है। तो ये थे बस कुछ बातें जो गुस्ल के ताल्लुक से, एक आम जबान में कहूँ पूरा जिस्म भीग जाए आपका, ऊपर से कोई हिस्सा बाकी ना रहे। और गुस्ल जनाबत हो तो फिर जड़ों तक पानी जाना जरूरी है, याद रखिए। गुस्ल जनाबत वो गुस्ल होता है जो आप पर वाजिब है करना, और आम गुस्ल वो होता है जो वाजिब नहीं फिर भी आप करना, ऐसा आप रोज गुस्ल करते हैं लेकिन वाजिब नहीं आप लेकिन करते हैं, तो उसमें अगर पानी जड़ों तक ना आया तो कोई मसला नहीं। लेकिन गुस्ल जनाबत में जड़ों तक पानी जाना शर्त है मर्दों के लिए, और औरतें जिनके बाल बहुत घने होते हैं, या वो औरतें जो बहुत ज्यादा चोटियां डालती हैं, उन दोनों के लिए अपनी चोटी खोलना और घने बालों तक पहुंचना जरूरी है। अगर ऊपर भी 3 बार पानी डाल ले तो इंशाल्लाह उनके लिए काफी हो जाएंगे। जैसे कि एक सहाबिया आई और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बालों को सुधारा है बहुत मुश्किल से, हो सकता है उनके बाल करली होंगे, घुंघराले बाल जैसे अफ्रीकन होते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन बालों को सीधा करने के लिए बहुत सारी चोटियां डाली, छोटी 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 छोटी, क्योंकि जिनके बाल घुंघराले होते हैं एक चोटी बड़ी नहीं आती, छोटी छोटी चोटियां डालते हैं। तो कहा अब क्या मैं हर बार गुस्ल जनाबत को पूरी चोटियां खोलूं, पूरी प्लेट्स खोलूं उसकी? तो कहा नहीं, जरूरत नहीं, तो 3 बार पानी डाल लें। तो ये उस औरत के लिए होगा जिसके बाल बहुत घने हैं, या उसने चोटी डाली जिस चोटी का खोलना मुमकिन नहीं होता। ये बात हिंदुस्तानी माहौल में नहीं समझ में आएंगे हमको, अफ्रीका माहौल में समझ, जहां आपको
बाल जमाना बोले तो एक मेहनत का काम होता है, कई औरतें मिलकर कई दिनों तक बाल जमाती है आपके, तब जाके वो एक बार बाल सेट होते हैं आपके, तो कई सालों तक फिर उसको हाथ नहीं लगाते हैं लोग। अगर किसी को नॉलेज होगा जिनके बालों का और जिनको अफ्रीक है उसका, तो उनके बड़े मसाइल होते हैं, बालों को बहुत मुश्किल से जमाना पड़ता है उनको, इसलिए कि इतने ज्यादा टेढ़े बाल होते हैं कि कंघा तो निकल ही नहीं सकता अंदर जाने के बाद, खाली उसको डाल के वापस निकाल सकते हैं, पीछे तो हल नहीं सकता, तो लिहाजा चोटियां अलग अलग डाल लेना पड़ती है पूरे बालों की। तब ऐसी प्लेट्स को क्या करेंगे, वो खोल थोड़ी सकते हैं। तो कहा अगर पूरा ना भी हो तो 3 बार पानी डाल ले तो कोई हर्ज नहीं, मतलब कोशिश मतलब हो कि पानी जाए, लेकिन नहीं जा सकता, हालात वैसे नहीं है कि तुम खोल सको, तो बहरहाल इंशाल्लाह उस मामले, लेकिन हमारी सादी चोटियां नहीं है बिल्कुल, तो बहुत आसानी से होती है, खुल भी जाती है हमारे पास, बालों का वो मसला नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत आसानी से खोल लेते हैं, पानी भी फरावानी के साथ है हमारे पास, तो यहाँ मसला नहीं है, वहां पानी भी कम है और बालों का भी मसला होता है, बहरहाल तो आपने उसकी गुंजाइश और इजाजत दी है। तो ये चंद बातें थी जो गुस्ल के फराइज में आप गिन सकते हैं कि नियत कर ले, मुकम्मल जिस्म को भिगा ले और खुली और नाक में पानी भी उसमें भला शामिल करे, या वो हिस्से जो सूखे रह सकते डर है उन तमाम हिस्सों तक हाथ के जरिए पानी ले जाकर और हाथ से मले जिस्म को, बहरहाल ये इसकी बहरहाल फराइज में आप गिन सकते हैं। अब आइए गुस्ल की सुन्नतें क्या होंगी, ठीक है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है, किसी भी काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, खास नहीं कह रहा हूं जाने का, लेकिन हर काम से पहले मोमिन जो बिस्मिल्लाह कहता है, कोई भी काम शुरू कर रहा है, किसी भी काम की इब्तिदा, तो बहरहाल वो कर सकता है। इसी तरह बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को धो ले, जैसा वजू के अंदर आप सीधे बर्तन में हाथ ना डाले, पहले हाथ धो ले, उसी तरह गुस्ल से पहले भी आप जो है सीधा हाथ धो ले, सीधा हाथ धोने के बाद सीधे हाथ के जरिए आप उल्टा हाथ धो ले, ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज जो है जो भी गिलाजत वजह बनी आपकी गुस्ल के लिए उसको पहले जायल करें, जैसा कि गुस्ल जनाबत ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है शर्मगा वजह बनी आपके लिए, तो पहले शर्मगा को धो ले, कोई और वजह बनी जिसकी वजह से आप गुस्ल ले रहे हैं तो पहले उस चीज को, उस गिलाजत को जायल करें। जैसे कि दूसरी मिसाल हो सकती है, कोई इंसान इंतकाल कर जाए, तो जब इंसान इंतकाल कर जाता है उमन उसका पेशाब और पैखाना छूट जाता है, तो पहले गिलाजत को जायल करें। जिंदा इंसान है जनाबत का गुस्ल ले रहा है तो पहले शर्मगा को, और जहां जहां जो है इम्कान है कि कोई चीज लगी होंगी या सोने में हुआ होगा तो उसको आप अच्छे से मनी या वो उसको धो ले। कोई इंतकाल कर जाए, किसी और वजह से भी इंसान का वो हो सकता है, बहरहाल तो गिलाजत को जायल करना जो भी वजह बनी, ठीक है तो शर्मगाह को धोना हो सकता है, हम इस तरह इसको हैज निफास वाली औरतें अपनी शर्मगाह को धो ले, इसी तरह अगर मैयत है तो उसकी शर्मगाहों को धो ले आगे और पीछे अच्छे से, बहरहाल जो वजह है पलीद गिलाजत को अपने जिस्म जायल करना। चौथी चीज जो है, सारे जिस्म को धोने से पहले आजाए वजू को धोना, मतलब वजू के जैसा करना, मुकम्मल वजू जैसा करते हैं, आप हमाम में दाखिल हुए उसके बाद आपने जो है हाथ धो लिया, उसके बाद जो है आप ने जिस वजह से गिलाजत थी उसको धो लिया। अब इस मामले में ये होता है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हर बार पानी डालने का तस्करा आता है, जबकि आजकल हमारे पास पानी डाला कहीं भी नहीं जाता, पानी गिरने का तस्करा ज्यादा होता है, शावर खोल दिया। जनरली बहुत से लोग जो नहाते शावर से नहाते हैं, तो वहां तो अब 3 बार डालना, 2 बार धोना, 3 बार का कोई अंदाजा हो ही नहीं सकता ना। अब ऐसा मग्गे से ले रहे हो तो 1 बार समझ में आता है, जब कोई पानी गिर रहा हो, बहते पानी में नहा रहा हो, तो अब क्या करेंगे। तो यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज आते, बोलते नहीं आप डोंगा लाके अपन पानी निकालेंगे पहले और फिर 3 बार करेंगे, नहीं आप अंदाजे के मुताबिक शावर चालू कर दिया और 3 बार बस यूं कर लिए, 3 बार माना जाएगा कि 3 बार पानी डाला, गिरता हुआ पानी हो या रुका हुआ पानी हो, थमा हुआ, ठीक तो आप 3 बार घस लेते, 3 बार माना जाएगा, शावर खोल दिया, 3 बार आपने कर लिया, ठीक। अच्छा, शरीयत के अंदर कोई मुमानियत नहीं है, आपको याद रखिए, मनाही नहीं है कि आप किस तरह से नहाए, बैठ कर या खड़े होकर, बस गिलाजत जहां नहीं लगे, खड़े रहकर नहाना भी कहीं मुस्तहब हो सकता है और कहीं बैठकर नहाना भी मुस्तहब हो सकता है, डिपेंड है आप कहां नहा रहे और किस सिचुएशन में, तो कहीं बैठना भी मुस्तहब हो सकता है और कहीं खड़े रहना भी दुरुस्त हो सकता है। जैसा मिसाल के तौर पे अगर वेस्टर्न अगर बाथरूम का जो सिस्टम होता है आजकल, टॉयलेट्स होते हैं उसमें बैठकर नहाएंगे तो आप ज्यादा गंदे होंगे, इसलिए कि वो टॉयलेट ऊपर रहता है, जो भांडा है उसके बाजू आप बैठकर कैसे नहा सकते हैं, वहां खड़े रहना ज्यादा बेहतर है गिलाजत से बचने के लिए, समझ रहे, क्योंकि वो ऊपर है, उसकी गिलाजत नीचे गिरती है और आप भी नीचे बैठेंगे तो मसला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टॉयलेट ऊपर रहेगा वेस्टर्न तो गिलाजत नीचे होना ही है, किसी न किसी नाहिए से उड़ता है, पेशाब उड़ के आ जाता है, बच्चे पैखाने चल जा हो जाता है, तो वहां खड़े ना बेहतर है, जहां इंडियन सिस्टम है वो नीचे होता है, तो यहां को मसला नहीं, बैठ के करे क्योंकि पानी नीचे जाएगा, उसकी गिलाजत ऊपर की तरफ नहीं आ, नीचे तो ये डिपेंड है, याद रखिए शरीयत में कोई मुमानियत नहीं, याद रखिए कि आप खड़े रह करना है, बैठ करना है, पानी डालकर ही नहाइए, गिरते हुए पानी में कोई मसला नहीं, आप शावर के नीचे नहाइए, रनिंग वाटर है, नदी है उसमें नहाइए, स्विमिंग पूल भी आपके लिए नहाने की, नदी भी नहाने के लिए जगह बन सकता है, इसी तरह पानी ना हो तो बकीट में लाकर लेकर धोना भी उसके लिए कुछ भी हो सकता है, इस बात को हम समझे। या किसी के पास टब हो सकता है घर के अंदर, अब उसको नहाना है तो 3 बार हाथ धोए बाहर और बाकी मामला तो उसका फिर शर्मगा गंदगी को जायल करे और टब में उतर जाए फिर, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उसको दे रखा है उतना पानी तो करे, इसराफ ना करे, ठीक, क्योंकि किसी चीज का किसी इलाके में जहां इसराफ कहा सकता है तो दूसरी चीज को हो सकता है उस इलाके में इसराफ ना हो, समझ रहे हैं बात को। जैसा एक मरतबा ये हुआ कि लाइब्रेरी में पानी भर गया हमारे, पानी साफ होता था, बारिश का पानी आ जाता था,
और पानी के लिए मोटर चला दी तो मोटर की इतनी बड़ी धार गिरती, बड़ा पंप लगा दी। अब उस पंप में ही मैं जो है गाड़ी धो रहा हूँ, वजू भी कर लिया मैंने बाहर का। कुछ ने कहा ये इसराफ है, मैंने कहा अल्लाह ने इतना दे रखा है ये इसराफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तो पानी फेंक रहे हैं दिन और रात फेंक रहे हैं, तो अगर उस फेंकते हुए पानी का अगर फायदा उठा लिया तो कोई मसला नहीं, तो ये मेरे लिए वो इसराफ नहीं आएगा इधर की, इसलिए कि इतना इतना पानी है फेंक रहे हैं उसको, हजारों लीटर पानी रोज फेंका जा रहा है, तो वो इसराफ में कहाँ आएगा। लेकिन कोई आदमी जहाँ पानी नहीं और वो कह नहीं वहां तो मोटर से कर रहे मैं भी करूंगा, उसके लिए इसराफ। तो डिपेंड होती है, किसी के लिए कोई चीज इसराफ हो सकती है तो किसी के लिए नहीं। कोशिश ये करना चाहिए कम से कम पानी में नहाए, लेकिन बहरा अल्लाह ने ज्यादा दिया तो उसका ज्यादा इस्तेमाल, जैसा गिरता हुआ पानी झरने का, अब इसमें क्या कम, एक वक्त में हजारों लीटर पानी भी गिर रहा है आपकी, कोई मसला नहीं, वैसे भी तो बह के जारी है बहर यार, ठीक है समझ रहा है बात को। तो आप टब हो सकता है आपके लिए, आपका शावर हो सकता है आपके लिए, आपकी बकेट से नहाना हो सकता है, नदी में नहाना हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, मुख्तलिफ चीजें आजकल दौर में होती है। तो बहरहाल तो पहले जो है आप अगर स्विमिंग पूल में उतर रहे नहाने के लिए, नदी में उतर रहे नहाने के लिए, टब में उतर रहे नहाने के लिए, तो ये तीन काम पहले करना पड़ेंगे, हाथ धोना पड़ेंगे, गंदगी को जायल करना पड़ेगा, उसके बाद जिस्म धोने के लिए आप उसमें उतरते हैं, या शावर के नीचे तो फिर कोई मसला नहीं, हाथ धोया आपने ठीक है, गंदगी को अपने जिस्म से आपने जायल के जो वजह बनी, उसके बाद आप वजू करेंगे। वजू में एक चीज ये कर सकते हैं आप कि पैर को आप आखिर में धोए, क्यों तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि छींटे उड़ेंगे गुस्ल में, तो आप क्या करते हैं वजू जैसा पूरा कर लेते और आखिर में पैरों को धो लेते। ये अगर किसी को इम्कान ऐसा मसला नहीं है तो बहरहाल वो मुकम्मिल कर सकता है। गुस्ल के अंदर वजू वाजिब नहीं है, याद रखिए ये सुन्नत है, लेकिन अगर गुस्ल में आप वजू नहीं करते तो उस गुस्ल से नमाज नहीं होंगी आपकी, याद रखिए। जो गुस्ल से पहले वजू नहीं होगा तो उसके बाद नमाज आप सीधे नहीं पढ़ सकते, उसके लिए फिर गुस्ल के बाद वजू करना पड़ेगा। गुस्ल के साथ वजू बिलखसूस गुस्ल जनाबत के लिए, जब इंसान पर गुस्ल वाजिब होता है, ये फर्ज नहीं है, अदर की सुन्नत है। तो कभी हो सकता है आप खाली गुस्ल जनाबत ले ले, उसमें गुस्ल वजू ना करे निकल जाए, लेकिन फिर आपको नमाज से पहले वजू करना होगा। आप चाहते दोनों क्लब हो जाए, दो काम एक साथ हो जाए, तो पहले वजू कर लीजिए उसके बाद वो कीजिए, या फिर हालात नहीं सहूलत नहीं है तो फिर आप बाद में वजू कीजिए गुस्ल के एंड में। बहरहाल जो आपको बेहतर हो सकता है कोशिश इस तरह से आप करें ताकि कम पानी में ज्यादा काम हो, डबल काम हो, कि वजू भी हो गया और भी हो गया उसमें, ठीक है बहरहाल ठीक है। तो बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या गुस्ल के बाद सीधे नमाज पढ़ सकते हैं, हाँ अगर गुस्ल से पहले वजू से शुरू किया हो तो, अगर ना तो फिर बाद में आपको वजू करना पड़ेगा ठीक। तो तीसरे चार सारे जिस्म के आजा को जैसा वजू आप करते वैसा करें, तो नाक में पानी लेना भी आ गया, कुल्ली भी इसमें शामिल हो गई ठीक। इसी तरह नाक में पानी ले कुल्ली करना, इसी तरह जो है सारे बदन को अच्छे से धोना और हाथ को बहरहाल घसना। अब इस मामले में आप अच्छे से उसको साफ करना। अब इस मामले में शुरुआत कैसी करेंगे, तो शुरुआत ऐसी करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गुस्ल जनाबत लेते तो आप अंदर जाके सबसे पहले अपने बालों को भिगोते, मतलब ये अमल करने के बाद कि हाथ धो लिया, उसके बाद शर्मगा धो ली अपनी, मतलब गिलाजत को निकाल दिया, उसके बाद वाला अमल बता रहा हूं कि आप जो है जड़ों तक पानी को डालते और सर को वो करते, सर के होने के बाद आप सीधे तरफ पानी डालते और फिर उल्टे तरफ पानी डालते, समझ गया आप बात को। और सीधे से उल्टे की तरफ जाना ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत थी, बाल काटने में, बाल जमाने में, नाखून तरशवाने में, बहुत सारी चीजों में बहरहाल आती है, तो आप कोशिश करें कि उसको इधर से उधर की तरफ सीधे से उल्टे की तरफ बहरहाल ले जाए ठीक। तो ये थी बहरहाल गुस्ल के ताल्लुक से कुछ बातें। अब आइए गुस्ल का तरीका जो हम मुकम्मल देख लेते हैं, अब किस तरह से पूरा एक जगह जमा करके कैसा करेंगे। उससे पहले वो काम जो गुस्ल में नहीं करना चाहिए थोड़ी सी बातें हम सीख लेते हैं उसमें, वो क्या क्या है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना गुस्ल में दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, आपने मैंने इससे पहले बात रखी थी आपके सामने कि आपने एक सा का माना होता है 2500 ग्राम पानी के अंदर, जो कि लीटर में कन्वर्ट किया तो हार्डली 3.5 लीटर, 3.5 लीटर या 4 लीटर होगा, कि तो ग्राम को जब लीटर में करते हैं तो उसकी क्वांटिटी आधी या उससे ज्यादा बढ़ जाती है, हाफ हो जाती है। तो एक सा पानी में मतलब 2.5 किलो पानी, अब किलो मतलब लीटर ज्यादा होगा, 3.5 या 4 लीटर पानी में आप गुस्ल करते हैं, तो कम पानी कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप बहुत पानी इस्तेमाल करें, रहा मसला कि पानी ही ज्यादा और वैसे ही जा रहा है तो इस्तेमाल करने में कोई, जैसा कि घर में पानी ज्यादा है आप मोटर से निकाल रहे हैं और साफ है तो नहा भी लो क्या है उसमें, अब जाहिर सी बात है 1000 लीटर में नहा रहे हैं आप ठीक है, तो ये एक अलग चीज है, लेकिन उमूम एतबार से कम पानी में, इसलिए कि शरीयत ने किसी भी काम में इसराफ को पसंद नहीं किया। दूसरी चीज जो है जो आप याद रखेंगे, ऐसी जगह बैठ करना ना है जहां गंदगी हो, अंदेशा हो कि नहाने से पानी वो अंदर जाकर उल्टा अंग पे आ जाएगा, गिलाजत हो, तो ऐसी जगह बिल्कुल नहाए ना ठीक है, एहतियात करें वहां। अगर ऐसी जगह मजबूरी है तो ऊंची जगह बैठे ताकि वो छींटे अगर उड़े तो आंग तक ना पहुंचे। समझ लीजिए आप किसी हमाम में चले गए, ऐसा होता है कभी कभी, कॉमन टॉयलेट से, कॉमन हमाम से, और अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, पहले से मोहरी बंद है, चौकअप है, आप साफ भी नहीं कर सकते और नहाना भी जरूरी है, तो एक ऊंची चीज से बैठ के नहा लीजिए, है तो आसपास गंदगी लेकिन इतना ऊंचा हुई कि उसका पानी के छींटे आपकी आंग पर ना आए। ऐसा हॉस्पिटल्स में जनरली होता है, या बारिश हो गई आपके इलाके में, अब क्या करते, बारिश चालू है, नाला फुल हो गया तो अंदर ड्रेनेज फुल हो जाते हैं, पानी वापस नहीं जाता, भरा हुआ रहता है,
अब क्या करेंगे, गुस्ल भी वाजिब है, नमाज का वक्त भी हो रहा है, तो फिर ऊंची जगह बैठ जाइए, लेकिन कोशिश करें कि साफ जगह ना है जहाँ गंदगी गलाजत आपके ऊपर ना उड़े। तीसरी चीज जो है सामने जो याद रखेंगे वही है कि किसी दीवार की आड़ में और सतर को छुपा करना है, खुले में नहाना दुरुस्त नहीं। याद रखें अगर खुला नहा रहे मजबूरी है तो सतर पूरा ढका हुआ और फिर नहा सकते, जैसा कि मर्द है खुले में नहाना जगह नहीं है तो सतर पूरा ढक ले, पहले तौलिया बांध ले, बरमोडा लंबी चड्डी हो सकती है जिसको बरमोडा बोलते हैं आम जबान में, कुछ भी हो सकता है, बहरहाल जो कपड़ा आपकी सतर और मर्द का सतर उसके नाप से लेकर उसका घुटने तक है, याद रखें तो उतना ढक जाए तो वो भी करे, लेकिन बेहतर है दीवार की आड़ में जाए और शर्मगा ढक कर बहरहाल नहाए, ये भी ज्यादा बेहतर है। बहरहाल ये हया के तकाजों में है बहरहाल, लेकिन कोई वाजिब और जरूरी नहीं। याद रखें वरना बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं तो क्या करूं, नहा सकते हैं आप नंगी होकर भी, लेकिन बेहतर है कि आप कुछ पहन ले, शर्मगाह को ढाक ले बहरहाल। और अगर खुले में नहा रहे तो सतर छुपना जरूरी है, सिर्फ शर्मगाह नहीं सतर, पूरा सतर, ठीक है पूरा सतर उसमें रखना जरूर। और अगर अकेले में नहा रहे तो सिर्फ शर्मगाह भी ढक जाए तो काफी है। सतर जो नाव से लेकर घुटने तक होता है ये सतर खफीफा कहलाता है, और जो शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा होता है वो सतर गलीजा कहलाता है। याद रखें तो अगर लोग देखने का अंदेशा हो तो सतर खफीफा पूरा सतर ढके, और अकेले नहा रहे तो सतर गलीजा कम से कम अगला और पिछला हिस्सा ढका रहे, याद रखें, ठीक है मतलब अगला और पिछला, और बाकी आप रान वान तो खुली रह सकती क्योंकि आप अंदर नहा रहे हमाम में, कोई देखने वाला नहीं, मजबूरी है कुछ भी नहीं कपड़ा तो कोई मसला नहीं आप बगैर उसके भी, वरना बहुत से लोग होते हैं जो तौलिया सुखाने को आंग दिया जाता उसी को बांध के नहा लेते हैं, बोलते और तौलिया दो, घर वाले पास और टॉवल नहीं रहता, वो बोलता बाबा वैसे ही नहा लेना था आपने पहले बोलना चाहिए था, नहीं तो हमको कि आपको डबल तौलिया टॉवल लगता है ना, तो वैसा मतलब हालात माहौल के एतबार से चीजें हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप उसको ढाक लें, ठीक है ये एक अच्छी बातों में से है, ठीक है और अच्छा है ये, और बहुत सारे सहाबा के ताल्लुक से आता है और आप सुन के ताल्लुक से कि आप ढाका करते हैं सतर को, सीधा खुला नहीं करते थे, ठीक है। इसी तरह जो है ठहरे हुए पानी के ताल्लुक से याद रखिये कि आप सल्लम फरमाए कि ठहरे हुए पानी के अंदर जो है अगर जनाबत की हालत में तो कोशिश करे कि गिलाजत को बाहर जायल करे और फिर ठहरे पानी में उतरने की कोशिश करे, ठीक कि जैसे जो मैंने कहा ना गिलाजत को जायल करना वो बाहर कर ले और फिर ठहरे पानी में जाए, सीधे जाके उसी में जायल करें गिलाजत तो हो सकता है उसको भी और दूसरों को भी उससे तकलीफ, ठीक है। तो बहरहाल इन बातों को आप याद रखेंगे। अब गुस्ल का तरीका क्या होगा, आप हमाम में दाखिल हुए चाहे पानी बकेट में हो चाहे रनिंग वाटर हो आपके शावर से आता हो या कोई और जरिए से आता है, मुख्तलिफ चीजें आजकल होती है, शावर के अलावा भी दीवारों में से पानी निकलते हैं आजकल, नीचे से ऊपर तक सिस्टम होता है और पूरे अंग में पानी उड़ता है, आदमी कांच के होते हैं जनरली अंदर चला जाता है और उसमें से पूरे पानी निकलते हैं, बहरहाल मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ने दे रखी है लोगों को तो लोग इस्तेमाल करते हैं, बहरहाल जो भी हो आप तीन बार वो करेंगे अपनी शर्मगाह या जो वजह बनी आपकी गुस्ल की वो गिलाजत को आप जायल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वजू करेंगे जिस तरह से वजू होता है, अब तहारत बैतुल खला में जाने की दुआ हुआ मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले हो चुका दो तीन हफ्ते पहले जाने का वो सब पूरा रफा हाजत के मसाइल हो चुका है, तो लिहाजा मैं इसलिए बात नहीं रख रहा हूँ, वरना फिर उसको ऐड करेंगे तो कई चीजें इजाफा हो जाएंगी, बहुत मुश्किल होगा मुझे समझाना, ठीक। तो फिर आप अंदर चले गए, आपने जो वजू किया जैसा वजू होता है, ठीक है, चाहे तो पैर साथ धोले या बाद में आखिर में ताकि छीटे होने का डर है तो आखिर में धोले, ठीक है। उसके बाद जब वजू का हो गया मामला तो उसके बाद आप सर को धोले अच्छे से ताकि गुस्ल जनाबत है तो जड़ों तक पानी चल जाए, उसके बाद सीधे तरफ भिगा ले, मतलब शावर है तो आप इधर से शुरू करें फिर इधर आ जाए, ठीक मतलब सीधे तरफ पहले वो कर ले ताकि सुन्नत भी अदा होती है और पानी गिर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी एक तरफ डालना नहीं है सिर्फ एक तरफ होना है आपको, तो सीधे तरफ हो जाए उल्टे तरफ हो जाए और पूरे आंग को मल ले, और उन मुकामात को खास तौर से जहां हो सकता है पानी ना जाए, बगल हो सकते हैं, नाफ हो सकती है, इसी तरह शर्मगाह का पिछला हिस्सा हो सकता है, घुटने का पिछला हिस्सा हो सकता है बैठकर नहा रहे, या मुख्तलिफ पोजीशंस के अतबार से मुख्तलिफ आजा हो सकते हैं सूखी रह जाए, उनका आप जरूर ख्याल रखें और उनको धोले। औरतें हों बहुत घने बाल हो जिसने वो प्लेट वाली चोटियां डाली रखी हो जो बहुत ज्यादा होती है तो वो अगर तीन बार भी पानी डाल ले तो इंशाल्लाह उनके लिए किफायत कर जाएगा, सहूलत हो तो बहुत अच्छी बात है धोले, ना हो तो बहरहाल उनके लिए ये सहूलत बहरहाल शरीयत ने बहरहाल दे रखी है और पूरा जिस्म जो है वो कर ले मुकम्मल, ये बहरहाल गुस्ल के ताल्लुक से कुछ बातें थी। बहरहाल इस मामले में ये भी हो सकता है कि मर्द और औरत याद रखिए एक ही बर्तन से गुस्ल ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि घर में हमाम हो नमाज का वक्त कम हो या दूसरे मसाइल हो कि गर्म पानी बाद में नहीं मिलेगा तो मियाँ और बीवी मर्द और औरत जो है एक साथ नहा सकते हैं, तो एक बर्तन में से पानी ले सकते हैं। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि औरत का बचाव पानी नापाक होता है, ऐसी कोई सही रिवायत नहीं याद रखी, इसलिए कि माई आयशा की एक रिवायत आती है रजी अल्लाह अन्हा जो है ये सही रिवायत है कि वो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने गुस्ल जनाबत एक ही बर्तन में से एक ही टब में से लिया, कि मैं एक बार लेती और अपने आप को धोती और फिर आप सल्लम एक बार लेती हो मग और अपने आप को वो करती, रात का वक्त था, ठीक है। तो इससे पता चला कि बाएक वक्त मियां भी नहा भी सकते हैं और कॉमन पानी यूज कर रहे थे दोनों, एक ही टब में
दोनों हाथ डालकर एक ही मग्गे से धो रहे थे। मतलब एक बार मैं आयशा लेकर अपनी बारी करी थी, एक बार आप समझे कि वजू करते होते हैं दो मर्द आकर वजू कर रहे हैं, तो एक के बाद एक के, तो वैसा वो दोनों मिलकर शेयर कर रहे थे। इससे पता चला कि औरत का बचा हुआ पानी नापाक नहीं होता, ये औरत जिस पानी में हाथ डाले वो नापाक नहीं होता है अंदर। और दोनों भी जनाबत की हालत में थे, मतलब मैं आयशा भी नापाक थी और वो भी थे, लेकिन दोनों ने पानी हाथ डाल कर लिया। तो इससे बात समझ में आ रही है कि वो बात दुरुस्त नहीं है कि औरत का बचा पानी नापाक नजस होता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या घर में औरतों ने जो पानी इस्तेमाल किया हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसलिए कि वैसे भी पानी की किल्लत है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसलिए कि इसके ताल्लुक से कोई मुमानियत की कोई रिवायत नहीं है, बल्कि यहां तो सही रिवायत है कि दोनों ने एक ही टब में से पानी लिया। वो हाथ डालती एक बार और कहती मैं लेती, फिर आपसे हाथ डालते और आप लेते, तो बहरहाल इसमें जो है कोई मसला नहीं। ठीक, तो ये थी चंद बातें गुस्ल के ताल्लुक से। मसला बहुत आसान था, बिल्कुल एकदम सिंपल था, और वजू के मुकाबले में वजू से भी आसान नहीं है। तो वजू में तो भी बहुत चीजें याद रखना थी, इसमें तो सब भिगा लेना है बस। एक आम लिहाज से अगर कोई कहे कि गुस्ल कैसा हो, तो बस मुकम्मल अपने आप को भिगा ले, ये गुस्ल है। मुकम्मल अपने आप को भिगा ले, ये गुस्ल है। ठीक, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग शकूक में होते हैं अपनी इबादतों के ताल्लुक से, सवालात उनके जहन में अजीब व गरीब होते, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं बस अपने आप को मुकम्मल भिगा ले, ये आपके लिए इंशाअल्लाह अजीज काफी हो जाता है। रहा फिर वजू का, तो वजू के साथ भिगा लिया तो वजू भी हो गया, नहीं भिगाया तो बाद में आपका अलग से वजू कर लूंगा। यही मामला मैयत को गुस्ल देने का भी होगा, सिंपल याद रखिए। इंशाल्लाह उसका तरीका कभी फिर बाद में रखूंगा मैं, कि बहुत मतलब बहुत से लोग डरते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा तो मुर्दा क़यामत दिन पकड़ लेगा मेरे को, ये कर लेगा, नहीं तो जिंदगी दुनिया में चाके लपट जाएगा, तूने गलत निलाया मेरे को, मेरी वहां कबूलियत नहीं हो रही, एंट्री नहीं हो रही, और फला इतने डर रहते कि कोई आगे नहीं बढ़ता। नहीं भाई, वो नको आखिरी वक्त में कुछ गड़बड़ हो गई तो उन्होंने क़यामत दिन पकड़ लेंगे अपने, है ना। अगर मैयत को गुस्ल देने को आपको एक लफ्ज में समझना, आपको क्या करना है, तो पूरी मैयत को ऊपर से नीचे भिगा दीजिए, उसका गुस्ल है। मतलब वो खौफ निकालने के कह रहा हूँ आपसे, जो खौफ रहता ना, ये पहले होगा तो ऐसा होगा तो उसको वजू कराना, इसमें कुछ गलती होगी, तो कोई बात नहीं, मुकम्मल भिगा दीजिए उसको, आपने हक अदा कर दिया उसका। वो सुन्नतें हैं बाकी सब चीजें, मुकम्मल भिगाना ही असल है, समझ रहे हैं आप बात को। इसी तरह गंदगी को जाहिल कर दीजिए उसकी। और देखिए मैयत की गुस्ल की थोड़ी सी बातें रख देता हूँ, चूंकि बात आ गई है, तो इंशाल्लाह बाकी तफसीलात और लूंगा। बहुत सिंपल है, जो आपका गुस्ल था वही मैयत का गुस्ल है, सिंपल। लेकिन उसमें कुछ चीजें नहीं होंगी जो इंसान कर सकता है, जैसा मुंह में पानी लेना, नाक में डालना, उसके अलावा सब मैयत के लिए होगा, समझ रहा। जैसा कि आपने गुस्ल लिया तो पहले हाथ धोए, हाथ धोने के बाद गिलाजत को जायल किया, वजू किया, मुकम्मल जिस्म को भिगा, ये हुआ आपका गुस्ल। मैयत का गुस्ल भी ऐसी है, आपने मैयत के हाथ धोए, ठीक है, मैयत को आपने जो फिर वजू करवाया, हाथ धोए, मुंह में पानी नहीं ले सकते, नाक में पानी नहीं डाल सकते उसके, तो खाली मुंह पे होठों पे लगाएंगे, नाक को एक बार वो नाक पे पानी लगाए, नाक में नहीं डालेंगे, हो गया। चेहरा उसका धोएंगे, सीधा हाथ कोनियों तक, उल्टा हाथ कोनियों तक, ठीक है, उसका मसाह जैसा आप मसाह करते हैं कानों का खिलाल, उसका सीधा पैर, उसका उल्टा पैर, हो गया उसका वजू। उसके वजू के बाद उसको पूरा भिगाना है, मतलब गिलाजत को जायल करने के बाद, याद रखिए, हाथ धोने के बाद गिलाजत जायल की, मतलब अगला पिछला हिस्सा उसका साफ किया, और उसके बाद उसको वजू कराया, वजू कराने के बाद पूरा जिस्म भिगा दीजिए, जैसा जिंदा इंसान सीधा पहले और उल्टा, उसका भी सीधा पहले और फिर उल्टा, फिर चाहे एक बार पानी डालिए सीधे उल्टे पे, फिर साबुन मलिए आगे और पीछे अच्छे से, उसके सर पे, इस पे, पूरे अंग पे, फिर सीधा तरफ धोइए, उल्टा तरफ धोइए, ये हुआ एक बार धुलाना आपका। इससे जायद करना आपको तो दो बार, तीन बार कीजिए, उससे ज्यादा करना पांच बार कीजिए, डिपेंड हालात, माहौल, पानी की अवेलेबिलिटी पर और उसके जिस्म पर या उसके हालात पर। कभी होता है आदमी बहुत बीमार था, जख्मी था, तो आप तो एक बार भी नहलाना मुमकिन नहीं होता। कभी हालात ऐसे कि गंदगी निकल ही नहीं रही, बहुत दिनों से पट्टियां चिटकी थी, जख्म थे, तो काफी बहरहाल जो भी हो सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। तो सिंपल समझ रहे हैं आप, जिंदे का जैसा गुस्ल है मुर्दे का वैसा है, सिर्फ मुर्दे के मुंह में पानी और नाक में पानी नहीं डाला जाएगा, सेम वही गुस्ल। हाथ धुलाया, गिलाजत को जायल किया, उसके गिलाजत को जायल कर वजू करवाया, उसको नाक में वो छोड़कर, उसके बाद उसके सीधे तरफ भिगाया, धो लिया, उल्टे तरफ भिगाया, दोनों को एक साथ साबुन लगाया, सीधे तरफ का धोया, उल्टे तरफ का धोया, ये हो गया। इसके बाद और एक बार करना है, हालात है कीजिए बहरहाल, ताकि और ज्यादा पाकी सफाई, ये है बहरहाल। उसमें कुछ इजाफी चीजें फिर कभी मौका मिला तो तफसीली हम देखेंगे, तो बहरहाल उसके लिए भी इतना सिंपल है। तो अगर किसी को ये मौका मिले तो उसका फायदा उठा ले। सिर्फ इतना है कि चूंकि मुर्दा होगा और किसी की शर्मगाह को आदमी हाथ नहीं लगा सकता, तो मुर्दे को चूंकि आपको जब शर्मगाह धोनी होगी तो हाथ में कुछ पहनना होगा, तो उमन कफन के साथ ग्लव्स आते हैं, कफन के साथ ग्लव्स नहीं तो सबसे अच्छा तरीका आपको पॉलीथीन कैरी बैग्स होती है, पॉलीथीनों को हाथ में डाल दीजिए, ताकि उसकी शर्मगाह को सीधे हाथ ना लगे, किसी भी इंसान की शर्मगाह को इंसान सीधे हाथ ना लगाए, याद रखे, सिवाय मजबूरियां हो तो कुछ हाथ पर कवर कर ले, तो बस उतना आपको वो याद रखना पड़ेगा। रहा गिलाजत जायल करने का, तो उसका जो तरीका आपको बेहतर लगे, जिससे जिस इंसानी जिसम को नुकसान ना हो, और हो ईंटें ले लीजिए, आप ईंट को कपड़े में डाल दीजिए, कॉटन में लपेट लीजिए, और उससे उसकी गिलाजत साफ कीजिए। बहरहाल
एक आम इंसान को तकलीफ ना हो कैसे साफ करेंगे, बस उसके साथ वही सलूक कीजिए आप, बाकी मामला रहा बहुत आसान है। तो बहरहाल गुस्ल देना भी मैयत को मुश्किल बात नहीं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप मुकम्मल तौर से IRCB कॉल करके मुझे गुस्ल देने बुलाए कि बहुत अच्छा आपने समझा आप दीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये काम करना है। मैंने एक बार गुस्ल के बारे में सिखाया था, मैयत तो गुस्ल सिखाने के बाद तो मेरी जिंदगी अजीरन हो गई थी। हर आदमी की मैयत वो चाह रहे कि मैं ही हिलाऊं उसे। मैंने कहा अगर मैं ये काम करते बैठा तो मुझे कफन दफन का इदारा खोल के बढ़ जाना पड़ेगा बिजनेस। मैंने तो इसलिए किया था कि आप करें तो आप तो मेरे ऊपर ही जागे सीधा। सिखाया तो इसलिए गया था कि आप करें तो फंस भी आप करेंगे कि आपको आता। मैंने कहा आपने नहीं सीखा क्या? मैंने आपको सिखाने के लिए किया था, नहलाने के लिए मैंने नहीं किया था। इसका बहुत सवाब है, सवाब मुझे पता भाई, लेकिन तुम्हारा मुर्दा जब तुमको सवाब नहीं चाहिए तो मुझे कभी सवाब होना? अंदाजा लगाइए, मसला तेरा और तू हाथ ना डाले और हमको सवाब दे, मतलब कैसी अजीब बात। फिर बोलते हैं ये मुल्ला लोग ऐसे क्यों होगा, इन्होंने फला क्यों किए, ये दुकानें क्यों चला रहे। आपने इन पर इतना इन्हिसार कर दिया कि हर काम को इनके लिए एक पेशा क्रिएट कर दिया आपने। और फिर बोलते फिर ये ऐसे क्यों होगा, आपने इतना इन्हिसार कि मेरे घर का मैयत और नहलाएंगा वो आकर, मेरे घर की मैयत नमाज पढ़ाएंगा वो आकर। तो फिर जब आपने अपने आप कर दिया तो उन्होंने थोड़े दिन तो गाइड किया, फिर मिसगाइड भी किया, फिर आपके माल पे नजर, हैंडसेट पे नजर, खाने पे नजर, पीने पे नजर, कपड़ों पे नजर, सब पे नजर होगी उनकी। तो ये ऐसे मसाले खुद करना है इसको याद रखिए। और यहाँ हो सकता है हिंदुस्तान में हो जाए, किसी गांव में चले जाए आप खरीय महाना हो तो, और कभी किसी ऐसे इलाके में चले जाए, यूरोप अमेरिका चले जाइए आप, वहां आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे। कोई मर गया तो क्या आप क्या करेंगे, मुझे गुस्ल देना नहीं आता अब क्या करूं, कितनी अफसोस की बात होंगी ना। इतना सादा अमल था और आपने सीखा नहीं, इतनी सादी चीज थी और आप कर नहीं पाए, इससे ज्यादा और क्या हकारत होंगी। जैसा जिंदा नहाता वैसा मुर्दे को नहला दीजिए। तो बहरहाल इसको समझना है कि सिखाने के लिए, मेरे को मत बुलाइए आप कि नहलाइए बहुत सवाब है, मैं जानता हूँ बहुत सवाब है, लेकिन इसका मकसद है आप सीख के क्यों नहीं कर रहे भाई वो सवाब का काम, दूसरों को क्यों सवाब देना चाहते हो। और बात पैसा अपना देते क्या उस दादा का, मेरे को विरासत का हिस्सा वो नहीं आपका है, वो हमारा है, सवाब मेरे को दे रहे उनका पूरा, आप विरासत आप रखेंगे उनकी। मतलब कैसा इंसान कितना वो है चालाक, पैसों में कभी नहीं बोलता कि मेरे भाई तुमने बड़ी खिदमत की, मेरे दादा की पूरे पैसे तुम ले लो। वो तो वारिस है भाई, वारिसों को मिलेगा, तुमने खिदमत की तो जिंदगी में हम दे देंगे कुछ अलग से, लेकिन वारिस तो हम है, ठीक है। तो सवाब में क्यों नहीं आप वारिस बनना चाहते कि हम तकफीन तक आपने नहलाया, आपने उसको कांधा दिया, आप ले जाके दफनाए, आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमारी नमाज गुस्ल देने कोई आता है, नमाज जनाजा पढ़ाने कोई आता है, तदफीन करने को और उतरता है, मिट्टी कोई और डालता है, रिश्ता तो बस बाजू खड़े है, अपने को नहीं मालूम इसका क्या मसला है, ये क्या होता नापाक हो सकता है, फलाएं सब खड़े सर, और वो पूरा करता है आपका। और फिर उस पर जब लोग आपके बीच में मुदाखलत करेंगे तो क्या होगा, बहरहाल मुझे बोलने की जरूरत नहीं, हर आदमी की अपनी राय है। एक मरता मैंने देखा एक शख्स मर गया बेचारा, अल्लाह उन पर रहम करे, उनकी मगफिरत करे। मैं उनके जनाजे में पहुंचा, जब पहुंचा तो दो लोग वहां खड़े थे, दोनों को माशाल्लाह दाढ़ी थी, कुर्ता पजामा पहने थे। एक आदमी आया, मुर्दे के पैर पकड़ा और उठा के उसके बाद क़िबले की तरफ कर दिया, बोले ये मर गए, इनके पैर क़िबले की तरफ होना चाहिए। पूरे बेटे खड़े उस शख्स के, ये कोई बाहर के लोग थे। जो दूसरा था, हजरत पागल हो गए क्या, बोले अभी नहलाए नहीं, बोले उसके पैर पकड़ा फिर घुमा के उसने सीधा कर दिया। वो दूसरा बोले अरे हजरत मर गए अब करना पड़ता, उसने फिर पैर पकड़ा फिर इधर कर लिया। ये बोला अरे तुम सरक गए क्या, तुमको आखिर में अजाम मिलेगा, अभी नहलाए नहीं ना, फिर पैर पकड़ा इधर कर दिया। मैं भी चंगा एक मिनट, आप दोनों फैसला क्यों नहीं कर लेते पहले, वो मुर्दे को जब से चार बार खेल लिया आपने, चार बार इधर से उधर मैंने देखा उसको पकड़ के, वो मुर्दे को मतलब उसको कोई दो लोग नहीं उठा रहे, अकेले खींच रहा आदमी पूरा यूं पैर से और यूं। मैंने कहा चार बार कर लिया आपने, बहुत हो गया ना, अभी तय कर लो, टॉस कर लो, तय कर लो जो है जो आपको पसंद है। चूंकि हम बोले तो भाई आप अलग ही छे तो मसला आप बोल नहीं सकते, हाँ मुझे नहीं अच्छा आप तो अलग ही है, मतलब आप तो तीसरे फरीक है, हम तो दो फरीक लड़ रहे हैं, आपका तो कोई शुमार ही नहीं। तो मैंने कहा आप पहले तय कर लीजिए ना अच्छे से, इनको क्यों ऐसा मतलब कर रही, मतलब कितनी बुरी बात है। चूंकि मैयत के साथ जैसा तुम जिंदों को तकलीफ करोगे कुछ तकलीफ होंगी, मैयत को वैसी ही तकलीफ होती है। आपने फरमाया ना, आपने फरमाया कि मैयत की हड्डियां मत तोड़ो, इसलिए कि उनकी हड्डियां तोड़ना वैसी ही तकलीफ होती है जैसा जिंदा को। चूंकि अरबों में तरीका था अगर इंसान मर जाए और वो सख्त हो जाता है ना तो हड्डियां तोड़ देते थे ताकि उससे अंग ढीला हो जाता, तो कहा नहीं वैसी तकलीफ जैसा जिंदों को होती है। तो अब आप जिंदा इंसान को ऐसा करते थे बीमार इंसान को इधर से उधर ICU के अंदर जाकर, नहीं तो वो मर गया तो मत कीजिए। आप पहले क्या कीजिए, टॉस कर लीजिए, तय कर लीजिए, लड़ लीजिए, कुश्ती कर जो करना है आपको पहले कर लीजिए, आके डिसीजन को अपन इम्प्लीमेंट कर देंगे, इनको मत हलाइए। तो उनके बेटे फिर एक ने हिम्मत किया, बोले हाँ मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, मतलब हिम्मत करो आपका बाप है ना, मतलब उसको दूसरा ही बोलेगा उसमें, मतलब मैं भी तीसरा ही आदमी हूँ ना, वो दो भी अलग लोग मैं भी तीसरा आदमी, आपको समझना चाहिए था, इतनी सिंपल बात। एक जगह एक साहब का इंतकाल हो गया, बड़ा तरस आता है, बहर अल्लाह उन पर भी रहम करें उनकी मगफिरत करे। एक जनाब आ गए, कहा इनका पेट फूल जा रहा है, क्योंकि उनके इंतकाल को थोड़ा वक्त 3 घंटे 4 घंटे हो गए थे, मैं वहां मौजूद था।
और बर्फ की सिल, मैंने कहा एक काम कीजिए, दो बर्फ की सिल पर एक बर्फ की सिल रख दीजिए ताकि पेट दर्द, या कपड़ा बांध दीजिए, मतलब दिस इज इनफ, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, या तदफीन कर दीजिए, यही सबसे अच्छा हाल है। उनको रोकना, क्योंकि अब आते सड़ना शुरू हो जाती है, अंदर का खाना जो है जो निकलता नहीं वो सड़ना शुरू हो जाता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म बदल जाते हैं, और 6 घंटे में चूंकि सेल्स पूरे डेड हो जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाती है बॉडी, खून जो है पतला गाढ़ा होकर पतला होना शुरू होता है, और रुतुबत कानों में से नाक में से निकलना शुरू हो जाती है। तो आप जल्दी से दफनाना, तो मैंने कहा दफनाना हल है, फिर भी कपड़ा बांध दीजिए। किसी ने वो होता है ना, ये मैयत वाले तो अपने मैयत में परेशान रहते, वो एकाद वो खड़े हुए जो रहते हैं ना वो खतरनाक रहते हो, मशवरे उनके बहुत पूरे मुफ्तियान के मशवरे खतरनाक रहते हो। बोले अरे एक आदमी बोला अभी मसला हल कर देते, और अल्लाह रहम करे एक आदमी को बुला के लाए, वो आदमी को देखते मैंने बोला ये तो पहलवान है, सुखे को लाली यहाँ ला, तो नहीं बोले इनकी इसका मसला हल आता। मैंने कहा यार छोड़ दो उस मैयत को बेचारे को, कुछ मत करो। अरे नहीं बोले, मैं देखो कैसा करता, बोले अभी बताता, बोले वो आदमी आया और पूरे ताकत से उसका पेट दबा रहा मैयत का, और इतना दबाया उनने कि उसके मुंह से खून के उसने गोले निकाला मैयत का, खड़े करो बोले, हाँ अब निकला, बोले ये अटका हुआ था, बोले फिर दबा रहा पूरी ताकत, हाँ आपने, मैं तो समझता शायद कलेजा वलेजा रप्चर होगी, वो निकला होगा पूरा, मतलब फट गए होंगे, चूंकि सेल्स ढीले हो जाते हैं जब दबाएगा कोई तो फटना शुरू हो जाती है, खून कैसे निकलेंगे इंसान के मुंह से, पूरे गोले निकाला और बता रहा देखो बोले ये था, बोले वो अपन क्या बोलेंगे, अपने ज्यादा ज्यादा अपन बोल सकते मत करो, चूंकि उनकी मैयत बच्चे राजी है, तो अपन मतलब क्या बोलेंगे, अपन थोड़ी लड़ सकते किसी की मैयत, बहरहाल लेकिन ताज्जुब होता है ये लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, कि लाइलमी का क्या हाल हो चुका है आज हमारी, ये कितनी छोटी छोटी बात थी, और कितने आसान तरह से कुछ भी लगा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, ये नट खोल के रखना पड़ता है, फिर ये पकड़ का इस्तेमाल, नंबर 6 नंबर का पाना, 8 नंबर का फला लगता है, इतने mm की फला चीज, साबुन ये साइज, कुछ भी था इसमें कितना आसान था, कब टूट जाता है, कैसे करना है, क्या होता है। बहरहाल ये मैयत के लिए भी है, तो हम ऐसा करें कि जो है आसानी से इसको सीखे। अब ठीक है, अब वो कौन कौन सी बातें, बस आखिरी खत्म करने से पहले, जो जनाबत की हालत में नहीं करना चाहिए, जब आपको गुस्ल नहीं होता तो क्या काम आप नहीं करेंगे, ताकि वो बातें पता चल जाए तो आपको इल्म हो जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग हुआ ऐसे मामला, क्योंकि औरतें अगर हैज़ा है या निफास वाली औरत है तो लंबा ड्यूरेशन होता तो उनके थोड़े मसाइल थोड़े से अलग है। मर्द को चूंकि उसका उसकी नापाकी जो है बहुत कम होती है, गुस्ल ले ले तो खत्म हो गया, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, कोई डेज नहीं, कोई रुकना नहीं, कोई इंतजार नहीं, उसके लिए अलग होगा। तो सबसे पहली चीज जो है कुरान की तिलावत करना एक हायजा या निफास वाली औरत के लिए दुरुस्त नहीं है, सिवाय इसके कि वो हाफिजा हो या डर हो कि वो जिसको जो उसको याद है भूल जाए। ऐसा आम हालत में इंसान सवाब की नहीं तिलावत कुरान करता है ना, तो एक हायजा और एक औरत जो निफास वाली है वो दोनों औरतें तिलावत कुरान नहीं करेंगी, ऐसा होता है। हाँ, हिफाजत की दुआएं, दुआ जिक्र असकार, बातचीत के अंदर सलाम और दुआएं जो होती है ये सब करेंगी, तिलावत जिस तरह सवाब की नियत से कुरान लेकर बैठ के पढ़ा जाता है वो नहीं करेंगी, लेकिन जो याद हो भूलने का डर हो तो उसको तिलावत कर सकती है। समझ रहे हैं आप बात को, जैसे हाफिजा है और निफास है, अब पता नहीं कितने दिन औलाद की पैदाइश के बाद रुकना है, हिफ्ज भूल गई तो नहीं, वो पढ़ेंगी फिर वो तिलावत की कर सकती, लेकिन कुरान लेकर नहीं हाथ में, याद रखिए ये जो याद है उसको, जो याद है उसको, ठीक। तो यहां कुरान को तिलावत की शक्ल में नहीं पढ़ेंगी और हाथ नहीं लगाएंगी, फिजिकल सेंस कुरान को मैं कह रहा हूं, लेकिन ऐसी किताबें जिसमें कुरानी आयतें हो सकती है, जैसा कि औरतों के मसाइल की कोई किताब पढ़ते बैठी हो उसमें आ जा रही है, जैसा सूरह निसा की आयतें, सूरह माईदा की, तो वो पढ़ सकती है, इसलिए कि वो कुरान नहीं है, उसकी तफसीर पढ़ रही हो, उसकी समझ पढ़ रही है, याद रखी मुकम्मल कुरान को हाथ में नहीं लेंगी, लेकिन याद रखी, ठीक है। चलो पहली चीज ये कि वो जो है हायजा हो निफास वाली औरत जो है वो नहीं करेंगी। इसी तरह हायजा औरत या निफास वाली औरत हो या फिर इसके तरह जुनूबी आदमी हो जिस पे गुस्ल वाजिब हो, ये मस्जिद में बैठेंगे नहीं, गुजर सकते हैं, निकल सकते हैं, जैसा रास्ता हो तो चले जाए, इधर से उधर गुजर जाए, बैठेंगे नहीं जाकर, समझ रहे हैं बात को। हायजा औरत भी, निफास वाली भी और जुनूबी मर्द भी बैठेंगे नहीं, गुजर सकते हैं, गुजरने का मसला नहीं, जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 43 मैंने आपके सामने पढ़ी थी, और वो अल्लाह ने फरमाया था वला जुनूबन इल्ला आबिरी सबीला, जुनूबी आदमी जो सिर्फ गुजर जाए, जिसको गुस्ल वाजिब हो गुजर सकता है मस्जिद से, लेकिन बैठेगा नहीं, रास्ता हो तो चला जाए, तो मस्जिद में बैठेंगे नहीं, आप गुजर सकते हैं। तीसरी चीज, औरत है या मर्द भी हो और जनाबत की हालत में तो चुके नमाज नहीं हो सकती, याद रखिए, और औरत के लिए उसकी नमाज जब तक कि उसका हैज खत्म नहीं होता या निफास खत्म नहीं होता, और हैज की हालत में छोड़े गए रोजों का बदल करना पड़ेगा उसको, उस
की जिसको क्या हम कहेंगे उसकी खजा होंगी, और जो नमाज हैज या निफास की हालत में जाती है उसकी खजा नहीं है, इसलिए कि माई आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत फरमाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोजों की खजा का हुक्म दिया, नमाज की खजा का हुक्म नहीं दिया। तो लिहाजा रोजों की खजा है, नमाज की खजा नहीं, चूंकि नमाजें बहुत ज्यादा छूटती है, हर दिन 5 रोजे, लेकिन क्या होता है रमजान के फर्ज रोजे होते हैं, 2, 4, 5, 7 छूटेंगे तो बाद में रखना है, लेकिन इसकी खजा नहीं आता कि नमाज की खजा नहीं, वो नमाजों को जो है छोड़ देंगी। ठीक है, तो नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है, फर्ज नफिल हो या किसी भी किस्म की, ठीक है, वो नहीं कर सकती। इसी तरह कुरान को हाथ नहीं लगाएंगी, ठीक है, इसी तरह हायजा औरत हो तो बहरहाल हम बिस्तर ही वो नहीं करेंगे, वो एक अलग मसला है। मेरा मकसद अभी सिर्फ गुस्ल के ताल्लुक से था, और गुस्ल में क्या चीज़ ममानियत है, तो कुरान को तिलावत की नीयत से दुरुस्त नहीं है। हाँ, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हम नापाकी की हालत में और हमको हिफाजत की दुआएं पढ़ना तो क्या करते, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। जब बहुत सी औरतें होती हैं, जब हैज और निफास आ जाता है तो अल्लाह रहम करे हमारी औरतों पर, ऐसा मामला होता है जैसे कि वो काफिर बन गई, मुकम्मल तौर से दिन का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता ऐसा समझती, मुकम्मल तौर से कोई जिक्र नहीं, कोई अस्कार नहीं, हत्ता कि सलाम भी करे तो जवाब नहीं देते, अल्लाह का नाम आराम सलाम अल्लाह का नाम है तो वो नहीं, ये नहीं मुकम्मल तौर से, और फिर परेशान जिन लपट जा रहा, भूत लपट जा रहा, तब तुम इतने इतने दिन नापाक और उस पर अल्लाह के जिक्र से इतने गाफिल, तो जिन भूत ही लपटेंगे ना फरिश्ते तो नहीं आने वाले तुम्हारे पास, फिर कंप्लेंट्स। शरीयत ने हिफाजत की दुआएं पढ़ सकते, बच्चों को हिफाजत की दुआएं पढ़कर दम कर सकते, ये सब कर सकती औरत, ठीक है, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ेंगी, हम बिस्तरी नहीं करेंगी, कुरान को सीधे हाथ नहीं लगाएंगी, तिलावत की नियत जैसे कुरान पढ़ते ऐसा नहीं पढ़ेंगी, भूलने का डर हो तो एक अलग बात है, समझ रहा, चंद काम है जो नहीं करना है, बाकी सारे काम करना है, साथ खा सकती है, पी सकती है, बैठ सकती है, लोगों में उठ बैठ सकती है, मिल सकती है, मिलजुल कर सकती है, शौहर उसके साथ सो सकता है, उसको हाथ लगा बहुत चीज़ें बह रहा, तो बहरहाल कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर हम ये तमाम चीज़ें छोड़ देते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा, इंशाल्लाह अज़ीज़ आने वाले इतवार तैमूम के ताल्लुक से कुछ बातें, चूंकि वज़ू गुस्ल हो गया तैमूम, और हैज़ और निफास के कुछ चंद मसाइल जो बड़े अहम होते हैं इंशाल्लाह, चूंकि तहारत के मसाइल फिर मुकम्मल हो जाते हैं हमारे पूरे, हमने रफा हाजत को देख लिया, वजू देख लिया, गुस्ल देख लिया, जो बातें बची होंगी इंशाल्लाह आप सवाल जवाब के सेशन में उसको पूरी कर लें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं तैमूम कि अगर वजू को पानी और गुस्ल को पानी ना हो तो क्या करें, और उसके बाद हैज़ और निफास के कुछ मसाइल इंशाल्लाह, वो तफसील आ चुकी है, एक बड़ा बाब है वो, रखने की आपके सामने कोशिश करूंगा। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला जो कुछ कहा सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम के लिए अपने दीन का समझना उस पर अमल करना हमारे लिए आसान करें, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें, खात्मा हमारा ईमान पर हो, आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي جی السلام علیکم میرا سوال ہے کہ اگر غسل میں وضو نہ کریں جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم غسل کریں اور غسل میں وضو نہ کریں تو کیا غسل ہوتا ہے تو دیکھیے اگر غسل میں آپ نے وضو نہ بھی کیا تو غسل ہو جائے گا اس لیے کہ غسل ایک الگ چیز ہے اور وضو ایک الگ چیز ہے تو لہٰذا اگر غسل میں آپ نے وضو نہیں کیا तो हो जाएगा इसलिए कि उलमा के बहुत सारे अखवाल हैं जिसके तहत जो है गुस्ल में वजू करना ये सिर्फ सुन्नत और मुस्तहब है और जो है फ़र्ज नहीं है, वल्लाहु आलम, बहरहाल फिर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो बात जाहिर है वो ये है कि गुस्ल में वजू ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जिस गुस्ल में आप वजू नहीं करेंगे तो उसके बाद आप सीधे नमाज नहीं पढ़ सकते, जिस गुस्ल से पहले आप वजू करके गुस्ल करेंगे उसके बाद आप सीधे नमाज पढ़ सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया है कि गुस्ल खाने में पेशाब करते हैं तो क्या गुस्ल नहीं होता। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जहाँ आप गुस्ल करें वहाँ आप पेशाब ना करें, ये बात सही है, मतलब उसी जगह, जैसे मिसाल के तौर पे अटैच बाथरूम होना एक अलग चीज़ है, अटैच बाथरूम मतलब टॉयलेट के साथ बाथरूम होता वो तो एक अलग शक्ल है, उसमें कोई मसला नहीं, इसलिए कि वहाँ टॉयलेट बिल्कुल अलग जगह होता लैटरिन और आपका बाथरूम बिल्कुल अलग होता है, लेकिन एक ही जगह जिसको कहेंगे, एक ही जगह, समझ रहे आप, उससे एहतियात करना चाहिए, सिवाय मजबूरियां एक अलग चीज़ है, एक्सट्रीम कंडीशंस हालात एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़ाहरी एतबार से जहां आप गुस्ल लेते हैं वहां तहारत मतलब पेशाब करने से इज्तनाब करना चाहिए, वो दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि जहां गिलाजत है वहीं तहारत कैसे ली जाएंगी। ठीक, आगे उन्होंने सवाल किया, कहते हैं कि हमाम में बाल खुले रखकर नहीं जा सकते, लेकिन हमाम में बाल खुले रखकर नहीं जा सकते, लेकिन अटैच हमाम रहा तो बाल खुले रखकर नहा। अच्छा, किसी ने कहा हमाम में मतलब बैतुल खला में, मैं ये समझ रहा हूँ, बाल खुले रख के नहीं जाना, बैतुल खला मतलब टॉयलेट में, लेकिन अब हमाम में जा रहे हैं जो बैतुल खला ऐसा है जिसके अंदर हमाम और टॉयलेट मतलब लैट्रिन बाथरूम दोनों साथ है, तो उन्होंने कहा वहां नहाएंगे तो बाल तो खोलना पड़ेंगे, तो इस मामले में क्या करें। देखिए, पैखाने में हमाम जो कहा, एक्चुअली हमाम नहीं है वो पैखाना है, वो टॉयलेट है, बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि टॉयलेट में बाल खुले रख के नहीं जाना इसलिए कि वहां शैतान लपक जाता, चिपक जाता, फला होता, ये होता, देखिए ऐसी कोई हकीकत नहीं है, तो वहम है,
एहतियात करना चाहिए, दुआएं करना चाहिए एक अलग चीज से जाने से पहले, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं खुला रखने में। ठीक, ये अलग बात है कि आप बाल खुला रखकर टॉयलेट में जाएंगे तो टॉयलेट एक ऐसी जगह जहां सिमटना चाहिए, चीजों को खुला नहीं, सब ढीले कपड़े तो सिमटना चाहिए क्योंकि गिरने का डर है, गिलाजत में मिलने का डर है, गंदी चीजों को लगने का डर होता है ना, समझे, उस एतबार से बांधना चाहिए ताकि सिमटी हुई चीजें हों। लेकिन अगर कुशादा है तो मैं समझता हूँ कि हराम या गलत तो नहीं है, और जब जाहिर से तो खुला है, मतलब आप पर्सनल बाथरूम में जा रहे हैं टॉयलेट जब भी खुला है। अब रहा मसला चूंकि आप खुले रखकर जा सकते हैं तो इसमें आप अटैच बाथरूम आ गए, टॉयलेट और बाथरूम अटैच है तो जाहिर सी बात है पैखाने में जाते वक्त बाल खुले रखना या बंद करने की कोई खास रिवायत को मुमानियत साबित नहीं है, तो लिहाजा आप अटैच बाथरूम में जा सकते हैं, वहां गुस्ल ले सकते हैं, वहां बाल खोल सकते हैं, चलो इसमें कोई हर्ज नहीं। रहा ये कि आप हिफाजत के लिए क्या करें, तो हिफाजत के लिए आप जब अंदर जाए तो जाने से पहले बैतुल खला में जाने की दुआ पढ़ लें, तो इंशाल्लाह अजीज आपकी हिफाजत हो जाती है, उसके बाद इंशाल्लाह ये सब मसाइल नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे कोई बहरहाल उससे मुमानियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरीयत से साबित नहीं, सिवाय इसके कि आम फिके का मामला है कि बैतुल खला में चीजों को समेट के रखना चाहिए ताकि ढीली ढाली होंगी तो गिरेंगी लगेंगी, और जाहिर सी बात है वो जगह साफ नहीं होती है, नापाक होती है या पाकिजगी हासिल करने की होती है। अब रहा मामला दोनों अटैच है तो वैसे मुमानियत तो है ही नहीं, तो लिहाजा अटैच हो या बंद हो आप खुले रखने जाने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। जी 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 नहीं, मैं भाई ने एक सवाल किया कि जो है जब जनाजा जाता है तो उसको कांदा देने के ताल्लुक से कि वजू करना, नहीं वैसा नहीं, मैं बोलने में हो सकता कुछ मेरे लिए वो हो गया हो, मैंने ये कहा कि जो शख्स मैयत को कांदा दे तो वो वजू करे, मतलब कांदा देने के बाद पहले नहीं, और जो शख्स मैयत को गुस्ल दे तो वो गुस्ल करे ताकि सफाई और सुथराई के एतबार से पाकिजगी के एतबार से। ठीक, तो ये लेकिन मुस्तहब है दोनों, जो मैयत को कांदा दे वो कांधा देने के बाद गुस्ल वजू करे, ये मुस्तहब जरूरी नहीं, और जो मैयत तो गुस्ल दे नहलाए वो खुद गुस्ल करे ये मुस्तहब है, तो लिहाजा वो माना गुस्ल मतलब वजू देने से पहले का नहीं है, देने के बाद है, कांधा देने के बाद, तो उसमें इंशाल्लाह अजीज वो मुस्तहब है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। याद रखिए, किसी ने एक सवाल किया जो खुदकुशी करता है उसकी मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए बहरहाल जिसने खुदकुशी किया और अगर ये यकीनी बात है तो चूंकि हदीस में वाज़े अल्फाज है कि उसको हमेशा अल्लाह रब्बुल जहन्नुम में डालेगा, वो हमेशा जलेगा, तो उसकी मगफिरत दुआ क्या करें? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने खुदकुशी किया था उसकी नमाज जनाजा में आप शामिल नहीं हुई, और नमाज जनाजा सबसे अफजल मगफिरत की दुआ है, तो जब आपने वो नहीं की तो मैं समझता हूँ दूसरे की फिर इसमें जगह गुंजाइश नहीं बच सकती। इसलिए कि अगर हमें जो लोग खुदकुशी करें उन पर ये कहूँ कि अल्लाह रहम करे तो लोग मुस्तहब अमल समझना शुरू करेंगे, तो कराहत के लिए हम उनकी दुआ नहीं कर सकते ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये अमल से दुआओं से भी महरूम हो जाता है आदमी, समझ रहे बात को? दिल में तो इंसान की वो होता है कि अल्लाह मगफिरत करे, लेकिन हम जाहिर सी बात है उसको लफ्जन कह के शरीयत उसको भार नहीं सकती है ना, कि कोई इंसान जिना करे और जानी को सजा मिले और आपका अल्लाह मगफिरत करे, सजा दी गई उसको, लोगों को इबरत के लिए बताया जाएगा सजा मिलती है ऐसी से कि जिना करे, तो ये अलग बात है, दिल में सोचेंगे अल्लाह उसको माफ कर दे जो गुनाह हुआ उससे, ठीक है समझ रहे हैं आप? तो उसकी आप सब ने बताने के लिए कि वो मोमिन होगा ठीक है, लेकिन उसकी कराहत के लिए कि मैं दुआ नहीं करूंगा, ना लोग उसको मुस्तहब समझने लगेंगे, ठीक, तो बहरहाल तो लिहाजा आप सब ने चूंकि जनाजे की नमाज नहीं पड़ी इसलिए मैंने दुआ नहीं की उन लोगों के लिए। आगे उन्होंने कहा जो जिना करता है उसकी भी मगफिरत की दुआ कर सकते हैं, यानी देखिये जो जिना करता है तो जानी अपने लिए खुद मगफिरत की दुआ करे, या आपको पता हो किसने जिना किया तो आप उसके लिए मगफिरत की दुआ कर सकते हैं। अगर जिना से मुराद ये कि जिना करने के बाद उसको सजाए मौत दे दी गई हो तो आप दुआ कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वो एक सजा के लिए वो हुआ है, सजा के लिए, और सजा भुगत चुका है तो उम्मीद है, ऐसा चोरी के हाथ कट चुका है तो उम्मीद है, जिना क्या सजा मिल सकती उम्मीद है, ठीक है, कत्ल किया तो उसके बाद कत्ल किया गया तो उम्मीद है मगफिरत होगी क्योंकि सजा मिल गई, ठीक है, लेकिन खुदकुशी करने वाले को सजा नहीं दी जाती, वो खुदकुशी करके अपने आप खत्म कर लेता, तो लिहाजा जानी के लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह उसकी मगफिरत करे, या खुद किसी ने जिना किया तो दुआ करे अल्लाह से मगफिरत की, अल्लाह उसको तौबा कबूल करेगा। लेकिन अगर कोई जानी हो जो अपनी दुआ ना करे अल्लाह से सच्ची तौबा ना करे तो आप सुन की हदीस है जो जिना करता अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता, याद रखिए, तो जानी को सच्ची तौबा करनी होगी तब उसकी दुआएं कबूल होती, वरना उसकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। जी सलाम अच्छा भाई ने सवाल किया कि औरतों के लिए जो हैज और निफास से हो तो वो नमाज की खजा नहीं करेंगी, रोजे की खजा क्यों बताएगी? तो देखिए रोजा साल में एक बार आता है रमजान, और मुकम्मल मिला के सिर्फ 30 रोजे होते हैं, तो छूट छूट कर जितने भी छूटेंगी
उसके बाद उसको 355 में से तकरीबन 325 दिन मिलते हैं रोजा रखने के लिए, समझ रहे हो, कजा के लिए। लेकिन नमाज हर रोज 5 टाइम आती है, फर्ज तादादी सिर्फ 17 रकातें हो जाती है, वाजिबात उसमें मिला ले मौकेदा जिसको कहेंगे तो 12 ये, और वितर के 3 मिला ले तो 15 ये हो जाते हैं, तो तकरीबन जो है वो रकातें मिलकर जो है तजावुज कर जाती है आपके 35 तक चली जाती है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना। और हर रोज की अगर होंगी और उसमें 7 दिन उसको हो जाए तो कितनी रकातें हो रही। तो शरीयत चूंकि जुल्म नहीं करती किसी पर, तो लिहाजा नमाज के मामले में रुख्सत दे दी, और रोजा चूंकि साल में एक बार आता है और बहुत लंबा वक्फा होता है कजा के लिए, तो लिहाजा उसको जो है रखने का हुक्म दिया। किसी ने एक सवाल किया, हमने ऐसे सुना है कि औरतों ने खड़े होकर शावर से गुस्ल नहीं करना चाहिए। देखिए, इसकी कोई मुमानियत तो साबित नहीं है, और मैं समझता हूँ जहां शावर होगा तो वहां हमाम यकीनन बंद वाला ही होगा। फिका के अंदर जो बातें आप पढ़ते हैं कि हमाम में औरत खड़े रहकर वो ना करे ये ना करे, उसकी वजह यह है कि उस जमाने में जब भी फिका लिखा जा रहा था, अक्सर मुसलमान इतने मालदार नहीं थे कि अपने हमाम पे छत डाल सके, तो सिर्फ हमाम बोले तो दीवार होती थी ऊंची वाली, समझ रहे आप। अगर कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो गांवों में जाके हमाम देख ले, दरवाजा तो होता है, छत नहीं होती हमामों पे, टाट रखी हुई, झाड़ कटा तो रख दिए, उड़ गया तो उड़ गया, रह गया तो रह गया, जलाने को लगा तो जला दी, तो खुला होता है, तो मर्द तो खड़े रह के नहाए, तो इम्कान है कोई देख भी ले, तो मर्द का सतर बहुत नीचे चालू होता है, तो लिहाजा अगर कोई देख भी ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन औरत तो मुकम्मल सतर है, तो लिहाजा जब वो नहाएंगी तो जाहिर ऊपर खुला होगा, तो इस वजह से फिकाम है बैठकर नहाना। लेकिन जब आप शावर में नहा रहे हैं तो मैं समझता हूँ शावर बोले तो एक ऐसे हमाम में जो पैक है हर तरफ से, कोई नजरों का अंदेशा नहीं, कोई खुला हमाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल जो है नहा सकते खड़े रहकर, क्योंकि इसकी कोई मुमानियत मनाही साबित नहीं है, और तहारत हासिल करने में अगर ये बेहतर तरीका है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीय एतबार से मैं समझता हूँ इसमें कोई खबाहत मौजूद नहीं है। जी उमर, उसके बाद इधर ला लेना। भाई ने सवाल किया कि अगर इंसान अपनी बीवी से बिस्तरी करे और उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ना है, तो याद रखिए मैंने अपनी तकरीर में ये बात वाजे की थी, वो अजकार जो तिलावत के लिए नहीं हिफाजत के लिए पढ़े जाते हैं वो हर हालत में पढ़े जा सकते हैं, तिलावत के लिए नहीं। अगर कोई कहे कि क्या जुनूबी आदमी तिलावत कुरान करे, तो नहीं कर सकता है, जो आदमी हालत जनाबत में हो तिलावत कुरान नहीं कर सकता है, इसलिए कि मर्द की जनाबत बहुत कम वक्त की होती है, नहाले तो हो जाता है पाक, तो लिहाजा उसकी इजाजत नहीं, औरत मजबूरी है, हैज़ और निफास लंबा होता है, ठीक। तो जुनूबी आदमी कुरान नहीं पढ़ सकता, कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन दुआ सलाम जिक्र अस्कार जो हिफाजत के वो कर सकता है, जैसा कि रात में सो रहा है, नहाने का इंतजाम नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है ना हदीस के तहत, तिलावत के लिए नहीं पढ़ सकता है वो, हिफाजत के लिए। और आम तिलावतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते वो नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन आम दुआएं जो हिफाजत की होती है वो कर सो सकता है, तो लिहाजा आयतुल कुर्सी आप हिफाजत के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह इसको हर्ज नहीं, वो तिलावत की नीयत से नहीं, हिफाजत की दुआ के शक्ल में कि अल्लाह मेरी हिफाजत कर, रहा सलाम का दीगर मामला आप बहरहाल कर सकते हैं, बस इतना कीजिए कि आप वजू कर लें और उसके बाद ये पढ़कर आप सो जाएं, वजू कर लेना चाहिए सोने से पहले, या कोई जिक्र जो जरूरी जिक्र है हिफाजत के लिए दुआ सलाम तो उससे पहले कर लेना चाहिए, खाना है वजू कर लेना चाहिए। किसी ने एक सवाल किया था, मैयत को गुस्ल कराने के बाद उसकी दुआ होती है क्या, और अच्छा दुआ होती है क्या, और मैयत को करवट दे सकते हैं क्या। देखिए सबसे पहली चीज, मैयत को गुस्ल कराने की उसके बाद की कोई दुआ नहीं है, जैसा जो जो गासिल जो गुस्ल करने वाला है कोई खास दुआ करे मैयत के गुस्ल के बाद, ऐसी कोई दुआ नहीं है गुस्ल के बाद। ये भी वजाहत कर दूं कि हैज से पहले की कोई दुआ नहीं है, अल्लाह रहम करे, हैज के बाद की कोई दुआ नहीं है, गुस्ल से पहले की खास दुआ नहीं है, गुस्ल के बाद की कोई दुआ नहीं। मैंने ये तक देखा है औरतों के हल्के में औरतें बैठ के एक दूसरे को हैज आने की दुआएं सिखाती है, अल्लाह रहम करे कहां से ये दुआ आ गई अल्लाह को मालूम और इनको मालूम, हैज आने की दुआ, हैज के बाद की दुआ, गुस्ल से पहले की इतनी लंबी दुआ चिट्ठियों पर याद करते बैठती है औरतें, गुस्ल के बाद की कोई दुआएं साबित नहीं। वजू से पहले बिस्मिल्लाह, वजू के बाद एक मुख्तसर सी दुआ है ना, बताया था मैंने पिछले, बस इतना है। गुस्ल से पहले आप बिस्मिल्लाह को भी हर अमल से पहले कर सकते हैं, और बैतुल खला में जाने की दुआ जो होती है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो लिहाजा मैयत को गुस्ल देने की कोई दुआ नहीं है, और उसके बाद कोई खास अमल नहीं, याद रखिए। और उन्होंने कहा क्या मैयत को करवट दे सकते हैं, हाँ नहलाने की नीयत से वाजिब चीजों के लिए उसको बिल्कुल करवट दी जा सकती है, जैसा नहलाना है,
साफ करना है, उसकी शर्मगाह साफ करना है, कुछ मजबूरियां हैं, कोई चीजें लगी है इलाज के तौर पर निकालना है, ठीक है, या कोई जख्म है जिसको आप चाह रहे कि कुछ चिटका दे ताकि वो गुस्ल में तकलीफ ना दे या पानी ना जाए, तो ये सब कर सकते हैं आप, तो वो जायज है। लेकिन खामोखा के जो उठाना बिठाना वो दुरुस्त नहीं, याद रखिए। लेकिन जरूरत के तहत कर सकते, गुस्ल देने से पहले उसके पेट पे हाथ रख के पीठ से थोड़ा सा बगैर ज्यादा ताकत दी के उठाना, ताकि कुछ गिलाजत जो पेट पे हाथ रखने से जरा से जर्क से वजन से निकल जाए, ऐसा पेशाब कुछ रुकाव निकल जाए, कुछ पैखाना निकल जाए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल नेचुरल जैसा जिंदा इंसान से होता है, वो नहीं जैसा वो एक आदमी कर रहा था पूरा खून निकाल दिया, अल्लाह रहम करे उसे बेचारे पे। बहरहाल तो धीरे से और उस गिलाजत को साफ करने के लिए पैर उठाना, करवट लेना, ये कोई मसला नहीं, ये सब किया जा सकता है। इसलिए कि जब उसका सीधा धुलाएंगे तो पिछला धुलाने के लिए करवट लेना ही पड़ेगा, और जब उल्टा धुलाएंगे तो उल्टा धुलाने के लिए करवट उसकी बतानी पड़ेगी। बहरहाल इसमें इंशाल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं और इसकी कोई खास दुआ साबित नहीं है। भाई ने एक सवाल किया कि कब्रिस्तान से जब लोग आते हैं तो कहते हैं उसकी मिट्टी घर नहीं आना चाहिए, लिहाजा वो समझते हैं उसी के लिए शरीयत ने वजू का और गुस्ल का हुक्म दिया। और बहुत से लोग मैंने सरकारी हैंडपंप पे गुस्ल करते हुए देखा, छठ उतार देते हैं और पैर में वहीं बड़े आते हैं उसके नीचे और पूरा नहाते, बोलते नहीं मिट्टी भी नहीं आना। देखिए यहाँ जो हदीस में बात बयान की जा रही है, ये आम एतबार से जो धूल मिट्टी उड़ती है मुस्तहब है कि वजू कर ले इंसान, जनाजे को ले जाने में धूल उड़ेंगी, खबर खोदने में उड़ती है, दफनाने में उड़ती है, उस एतबार से, ना कि ये कि खबर की मिट्टी घर नहीं आना, उससे फला होता और फला होता, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ तहारत और सफाई के एतबार से याद रखें। एक मसला जो बहरहाल तकरीर में बहरहाल मैं पिछली बार लिया था, फिर भी रखना मुनासिब समझता हूँ, इस्तेहाजा वाली औरत का मसला जिसको हैज या निफास का खून नहीं है लेकिन उसके अलावा आता है, उनके लिए याद रखिए कोई गुस्ल नहीं है, वो मुस्तहब है सिर्फ गुस्ल कर सकती है तो, वरना वो सिर्फ उस खून को साफ कर ले, जिस कपड़े पर लगा उसको अच्छे से निचोड़ ले, धो ले और उसके बाद वजू करके अपनी नमाज बहरहाल वो पढ़ सकती है, इसमें कोई उसमें इंशाल्लाह हर्ज नहीं। किसी ने एक सवाल किया, शौकिया तौर पर सामने के बाल कट करना जिसमें किसी को दिखाना शामिल नहीं और ना ही किसी काफिर की नकल करना है, तो ये दुरुस्त है क्या? देखिए अगर शौकिया तौर से कोई खातून अपने सामने के बाल कटाती है जिसमें काफिरों को मुशाबियत भी मकसद नहीं है, किसी की नकल करना भी मकसद नहीं है, किसी को दिखाना मकसद नहीं है, तो अगर उसका दिल है और उसका शौहर उसको पसंद करता है तो अपने शौहर की हद तक कर सकती है, लेकिन फिर ऐसे बालों को दूसरों को बता नहीं सकती, याद रखिए, क्योंकि अब ये खूबसूरती में शामिल है। सीधे बाल पीछे जा रहे हैं तो खूबसूरती में नहीं है, इसलिए कि वहां में कोई भी ऐसी औरत को नहीं, लेकिन अगर खास बाल कटाएंगी तो उसका भाई भी देखना पसंद करेंगे बहन ने क्या किया, मतलब फितरी तौर से बताना चाह रहा हूं, उसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, तो लिहाजा फिर अपने शौहर के लिए करना चाहती है तो बहरहाल उसमें शरीयत एतबार से कोई मुमानियत साबित नहीं है, चूंकि ना वो दिखा रही है ना किसी काफिर की मुशावरत में करें। आगे उन्होंने सवाल किया, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें और हमारी आदत है कि बच्चों को दवा पिलाते वक्त भी बिस्मिल्लाह बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि दवा पिलाते वक्त बिस्मिल्लाह ना कहो बल्कि या शाफी या काफी कहो, ये दुरुस्त है क्या? देखिए या शाफी या काफी दवा पिलाने से पहले पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। दवा पिलाने से पहले या शाफी शफा देने वाले किफायत करने वाले ये लफ्ज पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाइए। बहुत से लोग बोलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दवा खिला तो मियां बिस्मिल्लाह से क्या आती बरकत, तो बीमारी में क्या आ जाएंगी बरकत। तो मैं देखो एक छोटा सा उसूल, मतलब बेवकूफी की भी हद होती है, दवा खा रहे तो दवा के लिए बिस्मिल्लाह पढ़े ना उसमें बरकत आए, या बीमारी के लिए पढ़ रहे बिस्मिल्लाह बीमारी में बरकत आए, बोली अकल मेरी क्या बोल रही है, दवा मैं खा रहा हूं तो बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दवा में बरकत आए, कि दवा कम ज्यादा असर करे, क्या बीमारी में बरकत आए बीमारी ज्यादा बढ़ जाए, मतलब अकल भी कुछ होती है, अगर अकल को भी इस्तेमाल करें ना तो बहुत सारी बातें इंसान ये बिदत खुराफा छोड़ देगा। अगर मैं बिस्मिल्लाह बोल के खाना खाना चाह रहा हूं तो क्यों बिस्मिल्लाह, जैसे आपको मोटा आदमी बिस्मिल्लाह बोल के मत खाओ क्योंकि तो बरकत और आ जाएंगी तुम्हारे जिस्म और मोटे हो जाएंगे तुम, हाँ तो बोलेंगे नहीं 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 बरकत खाने में आना जिसमें नहीं, और मोटा नहीं होना खाने में ना, तो मैं बोल रहा हूँ अकल का तकाजा तो ये है कि आप बोले बीमारी में बरकत, तो बीमारी में कैसे आएंगी, आप बिस्मिल्लाह दवा पे बोल रहे हैं ना तो दवा बरकत हो जाएंगी, दवा जल्दी असर करेंगी, बीमारी क्यों बरकत होंगी, मतलब अकल भी कोई चीज होती है, अल्लाह रहम करें। तो बोले वो अपने अकल की बुनियाद पर देखिए शरीयत को छोड़ते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं बोलना बोले दवा खाते, क्योंकि फिर दवा बीमारी में बरकत, अरे आदमी बीमारी में नहीं आती बरकत दवा में आएंगी उससे, ठीक है, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह करना है, ठीक। तो बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ी या शाफी या काफी साबित नहीं है जी। भाई ने सवाल किया कि अगर किसी को एहतलाम है तो गुस्ल कैसे करे,
तो एहतलाम हो जाए तो मुकम्मल गुस्ल जनाबत उसको लेना पड़ेगा, इसलिए गुस्ल से वाजिब है। सर के बालों से लेकर पैरों तक हर हिस्सा भीगे, और मर्द हो तो पूरे बालों की जड़ों के अंदर तक पानी जाना लाजिम होगा। औरत होंगी तो अगर बहुत ज्यादा घने बाल है तो ऊपर से भी गुजर जाए, 3 बार तो काफी होगा। तो गुस्ल जनाबत के अंदर मुकम्मल जिस्म भीगना वाजिब और फर्ज है, इसलिए कि उसका गुस्ल टूट चुका है, अब मुकम्मल धोना होगा। हाँ, आप सिर्फ ये बोल सकते किसी ने पेशाब कर दिया, आदमी को होता है कुछ लोगों को बीमारी, तो नीचे का धो ले, इसलिए पेशाब कर लेने से गुस्ल नहीं तोड़ता, तो आधा धोने में काफी, या पैखाना निकल जाए किसी बुनियाद पे तो उसको सिर्फ धो ले। गुस्ल का इंतजाम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। वाजिब करने वाली चीजें बता चुका हूं, बच्चे पेशाब कर ले, बालिग भी, लेकिन कभी होता बीमारी कैसे, बड़े है कुछ वजह से निकल जाए, नीचे का हिस्सा धो ले काफी, लेकिन जनाबत में एहतलाम में तो मुकम्मल तौर से सर से लेकर पैर तक, और मर्द को तो बालों की जड़ों तक उसको धोना होगा। किसी ने एक सवाल किया, किसी ने सवाल किया कि होम्योपैथी का जो इलाज है जिसमें बारीक सफेद गोलियां आते हैं, इस्लाम में उससे इलाज करना जायज है या नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज, इस्लाम ने हराम अशिया से इलाज करने से आपको मना किया है, इसलिए कि आप समझ, हदीस है, जो अल्लाह ने हराम किया है उसमें शफा नहीं रखी है। तो लिहाजा अगर होम्योपैथी गोलियां आप ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ गोलियों में कोई हर्ज नहीं लेने के हद तक। हाँ, अगर गोलियों में शफा के तौर पर शराब डाली जा रही है कि भाई इससे शफा होगी अल्कोहल, तो उसमें शफा नहीं, फिर आप ले नहीं सकते उसको। लेकिन मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं बहुत सारी जो दवाएं होती है, चाहे वो होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, बिलखसूस एलोपैथी में टॉनिक्स और होम्योपैथी में जनरल मेडिसिन होते हैं, उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव अल्कोहल होता है, एज अ मेडिसिन बहुत कम उसमें होता है, समझ रहे हैं? एज अ प्रिजर्वेटिव, उस दवा के तहफ़ के लिए उसको डाला जाता है, क्योंकि शराब बहुत सस्ता प्रिजर्वेटिव है। आजकल नए प्रिजर्वेटिव आ चुके हैं एक से एक, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है, जिसकी वजह से मेडिसिन कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आपके पास ऑप्शन है पैसे ज्यादा देकर खरीदिए, उसको डॉक्टर को बोलिए कि हमको ऐसे दीजिए जो नॉन अल्कोहलिक हो, लेकिन बहरहाल होता ही है उसमें। तो लिहाजा मैं ये कहना चाह रहा हूं उसे कि ऐसी कोई भी दवा जिसमें शफा के तौर पर अगर वो है तो आप उसको मत लीजिए, इसलिए कि वो तो शफा है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हराम में शफा नहीं रखी। दूसरा, दवा के तौर पर तो लेना हराम हुआ, इसलिए कि शराब में शफा नहीं, दवा के तौर। तीसरा, अगर वो उसके प्रिजर्वेटिव के तौर पर है और कोई ऑप्शन नहीं है तो लीजिए उसको, जैसा कि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है दवा का, कहीं कोई इलाज नहीं है, तो ये मजबूरी हुई, और वो शफा के तौर पर नहीं है, दवा के तौर पर नहीं है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर आ रहा है। जैसा कि आपको शदीद खांसी और कोई दवा अल्टरनेट नहीं मिल रही, आप क्या करें, क्या करिए बताइए? तो वो दवा जिसके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव लेने में कोई, इंशाल्लाह मजबूरी की शक्ल में कर रहा हूं, अल्लाह आलम, फिर अल्लाह ताला हमारे बेहतर जानता क्या, लेकिन मजबूरी में जो है आप उसको अगर ले ले, चूंकि कोई अल्टरनेट नहीं है और जिंदगी को बचाना ही सबसे अफजल है, तो लीजिए, वरना एज अ मेडिसिन मत लीजिए। तो आप होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, यूनानी हो, बहुत सी बार देखिए यूनानी के नाम पर सब कर लेते, यूनानी के नाम पर गांजा खाते, अफीम खाते, यूनानी के नाम मालूम आपको? जैसा ये लोग जो है दर्द पेन किलर के लिए एलोपैथी मुख्तलिफ चीजें देते हैं, आपकी यूनानी के अंदर भी होती है, आप उसको खा लेते पेन किलर आसानी से, आप देखते भी नहीं उसमें ओपियम रहता, अफीम रहता उसके अंदर है। लेकिन होम्योपैथी बहरहाल एक बदनाम शोभा है, दूसरों के मुकाबले में बदनाम है, उन शोभों में हरमत आदमी नहीं देखता, इसमें ज्यादा बदनामी होती। तो बहरहाल मैं ये कहूंगा एज अ मेडिसिन मत लीजिए, एज अ प्रिजर्वेटिव मजबूरी में लीजिए, ठीक। और आम हालत में तो बहरहाल मैं समझता हूं लेने वाला, बहुत से लोग खामोखा खांसी लाके दवाएं पीते, खांसी की मुझे पता है, स्टूडेंट्स को देखिए हॉस्टल्स में, कॉलेज के इधर उधर खामोखा खांसी की दवाएं ज्यादा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन एक बार ले लेते 10 साल तक चलता प्रिस्क्रिप्शन हो, इसलिए कि जहां बियर खरीद के आप पियेंगे वहां 0.6% है, 6% होता है उसमें कभी कभार अल्कोहल, 6 से लेकर 10% तक अल्कोहल आपके बियर में होता है जनरली, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे विस्की और रम में 20-25, हाईएस्ट रम के अंदर 30% अल्कोहल, इससे ऊपर अल्कोहल तो आप कंज्यूम कर ही नहीं सकते डायरेक्ट, उसको डाइल्यूट करे बगैर मर जाएंगे आदमी ने, तो याद है अल्कोहल को डाल के भी उसके अंदर लोग क्या क्या मिलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा पीजिए, मुझे पूरे तरीके मालूम, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, केमिकली मैं ये सब चीजों को पढ़ चुका हूँ, ना कि उसके एतबार से। तो बहरहाल, लेकिन वो आप बेनाड्रिल ले लीजिए या कोई दूसरी दवाएं खांसी की, 12% बियर से ज्यादा है और सस्ता है, बियर महंगी है, तो नौजवान उसको लेके आ जाते हैं, 12% होता है, मान लो बेनाड्रिल और दीगर दवा में आप देखिए ना, कभी उठा के उसमें अल्कोहल का क्वांटिटी देखिए, 12% तक चला जाता है, तो ये तो डबल हो गया, आप बियर की जरूरत नहीं, बियर से सस्ता पड़ता, तो लाके खांसी की दवाएं पीते हैं।
कुछ लोग बाम लगाते हैं, कुछ खास बाम होते हैं उसमें पता नहीं, बहरहाल 2-3 बाम मेरे सामने लोग नाम लेते हैं, उसको ब्रेड पे लगाते हैं बाम को, उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ चीजें जो तकलीफ को दूर करने के नाम पे डाली जाती है वो नशीली होती है, तो लोग वो बाम के खा रहे हैं, उनके ऐसी गंदी स्मेल आती है उनके जिस्म से पसीने की भी, बाम के आदि, बाल जल्दी उनके सफेद हो जाते जवानी में, बाम बहुत खतरनाक नशा है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हराम है, तो दवा के तौर पर मत लीजिए, प्रिजर्वेटिव के तौर पर है तो मजबूरन अगर ऐसी दवा है तो लीजिए, आम हालत में तो बहरहाल हराम। दूसरा किसी ने सवाल किया कि लाइट के मीटर में जो काम कराते हैं उसकी रीडिंग कम कराते हैं, ऐसा करना भी क्या इस्लाम में जायज है? नहीं, ये हराम है। तो ऐसा करना लाइट के मीटर में, कॉरपोरेशन के नल में, अपनी शादियों में आंकड़े डाल के लेना, अपने प्रोग्राम में लाइट फ्री लेना, ये शरीयतन सब हराम है। या किसी बैंक को धोखा देके पैसे ले लेना और बाद में पे नहीं करना, भाई सूदी है ना, क्या होता थोड़ा लूट लिए तो, ये तमाम चीजें हराम है। रोजे क़यामत ये कॉरपोरेशन, ये बैंक सब आ जाएंगे, ये गैर मुजस्सम जिस्म लेंगे, इनका हिसाब अल्लाह करेगा, इनको तो कोई फायदा नहीं होगा, हम लोगों की नीकियां ये लेके चले जाएंगे, तो लिहाजा आप ये धोखे वाला काम ना करें। किसी ने एक सवाल किया, बहरहाल सवाल का अंदाज बहरहाल मैं थोड़ा सा सिर्फ चेंज कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी फिल्मों में जो लोग जो है बताते हैं, जिसके अंदर लोग किस करते हैं, जो मुंह में मुंह डालकर करते हैं, जिसको बहरहाल आम जमाने बहरहाल इसको फ्रेंच किस बोलते हैं, ठीक, ये तफसीलात में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि फिर मैं तालिबे इल्म हूँ, ये तमाम चीजें हमारे स्टडीज में पार्ट होती है, इस वजह से ये शख्सियत साजी में उसमें बहरहाल, तो इसको फ्रेंच किस बोलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा बोसा लेना, उर्दू में एहतराम की जबान में आ रहा हूँ, बोसा लेना फ्रेंच एतवार से, क्या ये दुरुस्त है? तो देखिए शरीयतन इसमें कोई मुमानियत नहीं है, सिवाय रोजे की हालत में आप ये नहीं कर सकते, इसलिए कि रोजा जाया हो जाएगा फिर, बस इतना ही इसका है, समझ रहे आप, कि मुंह में मुंह डालकर जो बोसा लेते हैं किस, जिसको कहते हैं फ्रेंच की आम जबान में, तो ऐसा करना शरीयतन हराम नहीं है, बल्कि ये तो मोहब्बत के तकाजों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत आती है कि आयशा फरमाती, बहरहाल वो रिवायत हैज से भी मुतालिका, फरमाती है मैं हैज की हालत में होती और एक गिलास से पानी पीती, जिस जगह से मैं पानी पीती रसूलुल्लाह को जब वो गिलास देती तो आप वहीं से पानी पीते, फिर फरमाती मैं हैज की हालत में होती और जिस बोटी के जिस हड्डी के जिस हिस्से पे से गोश्त खाती उसी हिस्से से वहीं से आप सब खाते, हैज की हालत में होती, मतलब हैज में औरत नापाक नहीं होती, ये बताना भी बहरहाल एक चीज ये भी आ गई। दूसरा जाहिर सी बात है जहां से औरत पानी पीएंगी तो लुआब लग जाएंगे ना, ठीक, और ये बात याद रखिए थूक जब निकलता है मुंह से तो गिलाजत है, मुंह में जब होता तो पाक है, याद रखिए, इसलिए कि आप सबने कई बच्चों को खजूर चबा के मुंह में लगा डाला उनकी, कई बच्चों को आप दम करने के लिए और बड़ों को फूकते हैं और दम में ऐसा फूका जाता है इसमें थूक उड़ता है, बहुत लोग बोलते थूक बोले तो नहीं, ये भी दम करने के तरीके में कि ऐसा फूका जाए जिसमें थोड़ा सा थूक उड़ना, तो इससे पता चला लुआब नापाक नहीं। इसी तरह कुछ सहाबा को तकलीफ थी, आपने अपना लुआब निकालकर उस पर लगा दिया, इससे पता चला लुआब नापाक नहीं होता है। तो लिहाजा अगर कोई इस तरह से करे तो शरीय एतबार से इसमें कोई खबात नहीं, कोई उमान नहीं थी, बल्कि मोहब्बत का तकाजा हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखिए रोजे की हालत में ऐसा करने से रोजा जाया हो जाएगा, इसलिए कि जब एक आदमी का थूक दूसरे आदमी में जाएगा तो रोजा उसका उससे टूट जाएगा, क्योंकि रोजे की हालत में आप कोई चीज खा नहीं सकते और जाहिर से मुंह में जा रहा है, तो लिहाजा रोजे की हालत में अगर कोई आदमी अपनी बीवी को बोसा लेता है तो वो ऊपर से ले सकता है, लेकिन जो इस तरह से वो नहीं कर सकता, याद रखिए। तो शरीय एतबार से इसमें कोई खबात नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि उर्दू में इसको क्या नाम बोलते, वरना लोग मुझ पर इल्जाम लगा देंगे भाई फ्रांस का नाम ला लिया तुमने और पहले फना है, तो बहरहाल शरीय एतबार से मुझे नहीं मालूम, चूंकि फ्रांस की बहुत सारी चीजें दुनिया मशहूर है, उसकी दाढ़ी मशहूर है, उसका किस मशहूर है, उसका फना, इसलिए मैंने वो नाम लिया। दुनिया के एतबार से बहरहाल जो भी इसको उर्दू जबान में बोले, बहरहाल मकसद ये था कि इसका शरीय हुक्म बताना। अगर मर्दों में से कोई सवाल हो तो बहरहाल भाई ने सवाल किया कि गुस्ल की हालत में क्या क़िबले की तरफ पीठ या चेहरा कर सकते हैं? तो याद रखिए गुस्ल लेते वक्त अगर आप, क्यों तो देखिए वो जो चेहरा और पीठ क़िबले की तरफ नहीं करना है वो मुमानियत खुले में है, खुले बैतुल खला में या खुले उसमें आप जा रहे हैं, जैसा समझ लीजिए कोई जंगल में चले गया तो वहां मुमानियत है पीठ और चेहरा करने की। बंद बैतुल खला और जो शहरों में बैतुल खला हमारे घरों में होते हैं इसके अंदर पीठ का उसका कोई तकाजा नहीं। अब रहा मसला ये कि आप अगर गुस्ल ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अगर खुले में गुस्ल ले रहे तो सतर ढकना जरूरी है, आपको तो लोग देख लेंगे, तो जब सतर ढक गया तो आप किधर ही मुंह करे कोई मसला नहीं। तो गुस्ल में अगर बंद हमाम में है तो कोई मसला ही नहीं किधर ही मुंह करे, क्योंकि रफा हाजत के लिए मना है, और रहा खुले में तो जाहिर सी बात है आप सतर ढक कर गुस्ल करें, खुले में कैसे आप खुला करें, तो इसमें कोई मुमानियत नहीं कि गुस्ल में आपका चेहरा और पीठ किधर होना चाहिए और किधर नहीं होना चाहिए। किसी ने एक सवाल किया हमारे पड़ोस में लोग बहुत खवाली लगाते हैं खास तौर पर रमजान में, ईद मिलाद के मौके मौकों पर,
और खवाली में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार आता है और हम भी खवाली सुनाई देती है, तो क्या हम खवाली में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर हमें बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए या पढ़ने पर ना पढ़ने पर गुनाह हो? किसी ने एक अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो याद रखिए, खवाली की शरीयत में ममानियत है, शरान ये खवालियाँ उवालियाँ जायज़ नहीं हैं। ये मौसीकी को लोगों ने चोर दरवाजे से हलाल करार दे दिया है, चोर दरवाजे से, ठीक है, चोर दरवाजे से। एक शख्स से मेरी एक बार बात हुई, वो बड़े अल्लामा कहलाते हैं, बहरहाल अल्लाह उन पर रहम करे, है तो नहीं बहरहाल लेकिन कहलाते हैं। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो सूफिया थे वो सूफिया जब इस्लाम को हिंदुस्तान में लेकर आए तो इस्लाम एक खुश्क मजहब था, उस खुश्क मजहब को एक रंग देने के लिए ताकि अख्वाम आलम में वो महबूब और मकबूल हो जाए, उन्होंने थोड़ी होली भी खेल ली, कभी सूफिया होली भी खेलते थे, उसके बाद कभी बजा भी लिया कुछ, जैसा कि कव्वाली में ढोल ताशे घुंघरू झुमके, या कभी आदमियों को नचा भी दिया, हिजड़े मर्द औरतें बहरहाल जो भी बहरहाल। तो कहा उस खुश्की को इस्लाम के उन्होंने थोड़ा रंग देने के लिए, उसको अच्छा मिजाज करने के लिए कहा। मैंने कहा इसके तो सर पर पत्थर पड़े, अगर कोई काफिर ये बोला तो हम तो उसके हाथ पर तोड़ डालेंगे पूरे, है ना। लेकिन देखो मुसलमान होकर कैसे कैसे रास्ते निकाल रहा, अल्लाह के दीन को खुश बोल रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही, उसको बेखौफ अल्लामा बोलते अपने आप को। लेकिन मैं इसलिए कि अल्लामा नहीं हूँ, कोई दूसरा मसला होता तो अलग बात है, लेकिन देखिए कैसी बातें कर रहा, खुश सलाम खुश। तो अब खाली ये कहूँ फिर हम एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म इंडस्ट्री डाल देते ना, फिर खाली खवाली तक कहूँ अपने आप को महदूद करने का, उसकी खुशकी को मुकम्मल खत्म करके तरीमी चला देते मुकम्मल तौर से, और फिर दुनिया बोल रही मौसीकी फलां ये हलाल है तो फिर लगो उसमें। बहरहाल याद रखिए, मौसीकी शरीयत में जायज़ नहीं है, क्योंकि खवाली में कई गुनाह होते हैं, कई बिदत हैं, मतलब इसकी कोई हदूद नहीं। सबसे पहले गैरुल्लाह से मदद मांगी जाती है अक्सर खवालियों में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया इकराम को उनके दर्जों से बढ़ाकर कभी कभी अल्लाह के दर्जों तक ले जाया जाता है। तीसरा, इसमें आलात जो बजाए जाते हैं वो आलात पूरे हराम होते हैं, घुंघरू ताशे पियानो हारमोनियम और क्या 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 सड़े हुए और पुराने बताने क्या क्या बजा लेते हैं, और लेटेस्ट दौर के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ नाचते करते भी हमारे अल्लामा आते हैं, वो है ना दाढ़ियां वाड़ियां रख के नाच रहे, ठीक। तो ये तमाम आलात जो हमारे हराम है। फिर इन खवालियों में कभी कभार मर्द और औरतें दोनों साथ होते हैं, कभी मर्द गाते हैं औरतें भी गाती, कभी मर्द गाते औरतें ताली बजाने की होती, ठीक। उसके अलावा फिर कभी नाचे और झूमा भी जाता है उसके अंदर, फिर नाचने में घुंघरू पहन के सादा नाच, फिर औरतों का रक्स और नाच, फिर हिजड़ों का रक्स और नाच, और मुख्तलिफ चीजें। बहरहाल कभी चले जाइए कोर्स में तो आपको दिख जाएंगी ये सब चीजें, अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही तो कभी मुशाहिदा आप कर लीजिए। उसके अलावा बहरहाल क्या क्या नहीं होता उसी को अंदाजा नहीं। एक साहब ने मुझे खवाली सुनाई, अल्लाह रहम करे मुसलमानों पर कैसे मुसलमान होते हैं, कि उनका जो पीर था उसके लिए खवाली गाई जा रही थी, सुभान अल्लाह। पीर की हालत ये कि कभी नहाए नहीं उन्होंने, और लंगोट में कच्चा होता ना, जो पंजाबी कच्चा होता है, स्पेशल किस्म का नेकर होता है, जो बिल्कुल जैसा कि सोमू रेसलर्स बनते हैं, वो बहुत बड़े होते तो बड़ा रहता है, ये पंजाबी कच्चा छोटा होता है, एक पट्टा और पट्टे में से दो पट्टियां निकलती है ऐसी खाली, क्योंकि थोड़ा खड़ा हो जाए तो लूज हो जाए तो फिर क्या क्या दिख जाता है आप समझ जाइए, ठीक। वो कच्चा पहने हुए और उन्होंने नहाया नहीं कभी, पता नहीं कब से नहीं नहाए। मैं तो कहता हूँ हाथ लग जाए कभी मेरे तो सर्फ और दाल की मशीन में घुमाऊंगा उनको बहुत देर तक, फिर निकालूंगा बाहर, तो नहाया नहीं, जिसकी वजह से उनकी बाल कैसे चोटियां लट 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 दूर तक लोग उसको हाथ लगाते हैं, जिप से हाथ लगाते उसको एक झटके में ऐसा पंच देना कि मर जाना उसकी जगह पर, ठीक। उसकी गिलाजत को उठा रहे, उसको एहतराम से ला रहे और उसको नाचना नहीं आ रहा, इतना दुबला उसको नचा रहे खवाली पे, तो दो आदमी हाथ डाले हुए कमर के नीचे और उचका रहे, और वो गा रहा, और उसका जो पीर का जो गाना गाने वाला है खवाल गाना गा रहा है कि जो पीर के साथ धमाल ना करे, पंजाबी पीर थे पंजाबी गाना चल रहा था, पीर के साथ धमाल ना करे, धमाल समझ रहा, धमाल पंजाबी बोलते नाचने को, जो धमाल ना करे साला मादर बोल के गाली दे रहा हूं, और सब वाह बोल के सब नाच रहे, पूरे नाच रहा था, इसलिए कि पीर के साथ जो धमाल ना करे साला, पहली बार मादर बोला दूसरी बार बहन बोला, पूरे गाने मतलब एक एक मिसरे में जोड़ते हुए ला रहा हूं, पीर ये पीर वो पीर का ये नबी से ये फला वो, और जो साला धमाल ना करे साला बोल के, पंजाबी में गालियां बहुत आम होती और गाली दे रहा है, हर मिसरे के आखिर में एक एक गाली ऐसी चुनझुन के दे रहा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और जब वो गाली दे रहा तो पीर का जोश देखना, चूंकि वो अल्लाह का वली नहीं ना, वो शैतान का वली, तो वो तो गालियों पर खुश होगा। तो इसमें हरामकारियां होती है, इसमें बदकारियां होती है, इसमें मर्द और औरतें साथ मिलकर नाचते और गाते हैं और बैठते हैं, इसकी कोई लिमिटलेस है, लिमिटलेस समझो इसकी बुराइयां हैं, तो लिहाजा ये खवालियां दुरुस्त नहीं। अब उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आता है, सवाल ये था कि इस पर क्या करें। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल देना एक मजलिस में आपके लिए काफी होगा, और ये गिला गलीज लोगों के लिए तो बहरहाल कोई नहीं, बस हमें तो एहतराम सिखाते हैं कि नबी को नाम नहीं लेना चाहिए,
نبی کا نام لینا چاہیے, اور خود تو بس لگا رٹ بیٹھا محمد اور محمد کی, تب کچھ نہیں ہوتا تیرے کو. ہم اگر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو احترام نہیں نبی کا, آ حضور بولنا, آپ بولنا, حضرت جی بولنا, اور یہ بولنا اور وہ بولنا اور فلاں بولنا, ہم نام نہیں لینا. اور تو خوالی میں, اور تیرا خوال بس نام ہی لے, بھر دے جھولی یا, اور لیتے رہے تو نام بس بول, اور تجھے اجازت ہے پورا بولنے کی, ہم کو اجازت نہیں بس. حالانکہ ہم درود کے ساتھ بولتے ہیں, بغیر درود کے بولتا ہے, ایک بار بھی درود نہیں پڑتے ہیں. اور جو نام لے رہے نبی کا, ان کے چہرے دیکھ لو آپ, پورا منہ میں سے پورا پان بھرا, دانت دیکھے تو مطلب کوئی ٹی وی پہ تو آنے کے لائق ہی نہیں سمجھو. ان کی موسیقی ہے تو موسیقی میں بھی تو کمپٹیشن ہوتے ہیں نا, لال پیلے ہرے ادھے داتا پورے بنا کے بیٹھا ہوا ہے, گندے طوطے کے ایسے کپڑے, ہرے پیلے نیلے ایسے کپڑے کی, مطلب کچھ کوئی چیز کا ایک تک بھی ہونا, مطلب کوئی چاہے حرام کاری کیوں نہ ہو, کوئی لیول سے ہو یار, مطلب کچھ اس کا لیول ہونا چاہیے. اور بس گا رہا ہے اور ناچ رہے ہیں, اور بتا کیا کیا, بہر اللہ بہر رحم کریں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے, تالیوں کی تھاپ پر لوگ ناچ رہے, اس پہ نام لیا جا رہا ہے, یہ بہت بڑی برائی, یاد رکھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا بڑا احترام ہے. آپ کے نام کے احترام کا کی دلیل میں کیا دوں, کہ روایتوں میں جب بھی راوی روایت کرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے ہی الفاظ ملیں گے ساری روایتوں میں. بتائیے کوئی حدیث میں ہم سنا وقال محمد ابن عبداللہ, اور اس کے آگے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کہیے ایک روایت بتا دیجیے. تو صحابہ کبھی آپ کا نام نہیں لیتے تھے, یہ احترام ہے آپ کا. اللہ رب العزت نے نبی کا نام بمشکل 5 مرتبہ لیا اپنی کتاب میں, جہاں بھی پکارا, اور وہ نام بھی لینا اس لیے پڑا کہ وہ متن میں تھا, پکارنے کے اعتبار سے نہیں تھا, یاد رکھی متن میں تھا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, تو یہاں پکارا نہیں, یہ جملے کے اندر بات آ رہی. ایک جگہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمو احمد, وہاں بھی ضروری تھا کہ نبی کون آنے والا ہے, نام بتانا تھا, تو کہا اس کے بعد احمد آئے گا. ٹھیک, تو جہاں بھی نام لیا بہت احترام سے اللہ نے لیا, اور پکارنے کی اس میں نہیں ہوں, وہ جملے کے اندر آیا 5 بار. اور جب بھی اللہ نے نبی کو پکارا, یا ایوہ الرسول, یا ایوہ النبی, یا مدثر, یا مزمل کہہ کر پکارا, اور تم کو شرم نہیں آتی یا محمد کر کے چلاتے ہو اپنے خوالیوں کے اندر, اور ہم کو احترام سکھاتے ہو. یہاں اللہ نہیں پکارتا ہے, یہاں نام لے کر اللہ رب العزت نے نہیں پکارا, 5 بار بھی آیا تو متن کے اندر آیا, ایک بار بہرحال وہ یا محمد کے لفظ آیا, لیکن اتنا احترام. باقی جگہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں, حدیث میں اس طرح سے آیا ہے, اور تم کو شرم نہیں آتی تبلوں کی تھاپ پر جو یا محمد چلاتے ہو اور ہم کو غلط ٹھہراتے ہو. تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, لہٰذا آپ ایک بار پڑھ دیں وہ کافی ہے. اس کے بعد بہرحال چونکہ ان کی یہ اب کیا برائی بولیں گے, تو چونکہ یہ تو کوئی احترام ہی نہیں ہے خوالیاں, اور اس میں کیا نام, بس ایک بار پڑھ دیں ان شاء اللہ عزیز, وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ خوالیاں سننا کرنا یہ بہت سنگین جرم, اور یاد رکھیے گناہ, اس سے بچنے کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے. میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی پانی میں وہ سوئمنگ کو جا رہے ہیں, بیچ پر جا رہے ہیں اور وہاں سوئم کر رہے, تو پانی گندا ہے, گندے سے مراد اس کا رنگ سمجھ میں آ رہا کہ کچھ وہ ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, کوئی بھی پانی جس کی تعداد 2 خلوں سے, خلتین سے زیادہ ہو جائے, اور ایک خلہ جو عربی زبان کا لفظ ایک ڈرم کو بولتے تھے اس زمانے, آپ سمجھ کے زمانے میں, وہ ہوتا تھا 275 لیٹر کا, 275 لیٹر. تو آپ نے فرمایا خلتین, 2 خلے پانی, 2 ڈرم پانی ہو جائے تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, اللہ کے ناپاکی فوقیت پا جائے, زیادہ ہو جائے اس پانی سے. تو اس سے پتا چلا کہ آپ سمندر میں سوئمنگ کر رہے ہیں, تو سمندر کا پانی تو انلمیٹڈ خلے, مطلب خلتین سے زیادہ ہے, اور خلتین مطلب 2 550 لیٹر سے اگر زیادہ پانی ہو تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی. اب یہ مسئلہ اس کے لیے وہ چھپلک گر گیا ہے, 1000 لیٹر کی ٹاکی میں سے چھپلک نکال کے پھینک دیجئے, کیونکہ وہ 2 خلے سے زیادہ پانی ہے, سمجھے. تو آپ سمندر میں سوئم کر رہے ہیں تو سمندر میں کتنی بھی گندگی مل جائے تو وہ اس کو ناپاک نہیں کر سکتی, اس لیے کہ وہ تو اتنی بڑی چیز ہے, اسی کو انتہا نہیں, سوائے اس کے کہ ذاتی گندگی ہو, مطلب سمجھ رہے ہو. سمندر میں آپ تیرے, وہیں نالی کا پانی آگے ملتا ہے, تو کوئی بھی عقل مند آدمی وہاں نہیں تیرے گا, آپ دوسری جگہ تیریں گے. لیکن آپ بول سکتے ہیں وہاں نالی کا پانی آتا ہے, لیکن چونکہ سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ناپاکی اس کو کبھی بھی میلا نہیں کر سکتی, تو لہٰذا آپ کا اس میں سوئمنگ کرنا یا اس کا پانی کا رنگ ہوتا ہے نا, کبھی میلا دکھتا ہے, پانی ناپاک نہیں ہوتا بہرحال. تو لہٰذا چونکہ اس کی تعداد کوانٹیٹی بہت امنس ہے, بہت زیادہ ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنواں تھا جس کے اندر لوگ گندگی پھینک دیتے تھے, حیض اور نفاس کے کپڑے تک ڈال دیتے تھے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول, کہا کیا اس کا پانی استعمال کروں,
تو کہا ہاں اس لیے کہ خلتین سے زیادہ پانی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, چونکہ وہ کنواں تھا جس کے بارے میں آتا 10 فٹ اونچا تقریباً پانی کا لمٹ رہتا تھا اور اچھا خاصا وہ چوڑا تھا. میں سمجھتا ہوں 10 فٹ اونچا اور اچھا خاصا چوڑے کے اندر 550 لیٹر زیادہ پانی آتا ہے. 550 لیٹر کو تو آپ کو ہارڈلی 3 فٹ چوڑا ہونا اور 5 فٹ اونچا رہا تو آپ کی ٹاکی آ جاتی 500 لیٹر کی. تو کہا کوئی چیز ناپاک نہیں, تو لہٰذا آپ سمندر میں تو سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا. سوئمنگ پول میں وہاں بھی خلتین سے زیادہ پانی ہوتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں سوئمنگ پول میں اگر کوئی پیشاب کر دے اندر جا کر تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا, کیوں تو وہ پانی خلے سے زیادہ ہے نا, خلتین سے. کیا فرمایا حدیث میں, خلتین سے زیادہ پانی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے گندگی اس پہ حاوی آ جائے, سمجھے. تو پیشاب کتنے کوانٹٹی میں ہوں گا اتنے پانی میں سوئمنگ پول کی, کتنا ہزاروں لیٹر ہے, لیکس آف لیٹر ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہرگز میں نہیں کر رہا ہوں آپ یہ کام کیجیے, بہت سنگ گناہ ہے, اس لیے کہ آپ دوسرے لوگوں کو ناپاک کریں. لیکن ہوتا ہے کوئی کر دے تو اس میں کوئی فرق نہیں, بچے کبھی تیرنے چاہے کر دے تو اس سے آپ ڈری مت, چونکہ وہ غلاظت نہیں ہوتی, چونکہ وہ پانی کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ سمندر میں جاتے ہیں سوئمنگ کرتے ہیں تو ان شاء اللہ عزیز اس سے آپ ناپاک نہیں ہوتے, آپ سوئمنگ سے نکل کر وضو کر کے اپنی نماز جو ہے کر سکتے ہیں. کسی نے کہا میت کے گھر سے واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ منہ دھو کر گھر میں داخل ہو اور چھوٹے بچوں کو قریب جا سکتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ دھو کر داخل ہوئے اور چھوٹے بچوں کے قریب جا سکتے ہیں, یہ صحیح. دیکھیے سب سے پہلی چیز, میت کو کاندھا دینے کے بعد کاندھا دینے والا وضو کرے, میت سے آنے والا ایسا عورت سمجھو میت میں جا کے, تو عورتیں تو کاندھا دیتی نہیں ہیں, تو کیا وہ آنے کے بعد منہ دھوئے؟ ایسا کوئی صحیح عمل ثابت نہیں سنت سے, لہٰذا بالکل نہ کرے. عورتوں کے لیے بات نہیں ہے, مر چکے کاندھا دیتے اور پیچھے چلتے وہ وضو کریں گے اور بھی طہارت پاکیزگی کے لیے, کوئی نحوست ہٹانے خبر کی مٹی ہٹانے نہیں. اور عورتوں کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں, ہاں یہ الگ بات ہے فریش ہونے کے لیے آ کر منہ دھوتے دھوئیے وہ ہر نہیں, لیکن ایسا کوئی میت کے بعد دھونا یا بچوں کو نہیں لینا جب تک منہ نہیں دھو ایسا کچھ بھی نہیں, ہاں گندگی ہے دھول مٹی لگی ہوئی تو آپ دھو کر لیجیے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایسی کوئی سنت نہیں یاد رکھی. میں نے ایک سوال کیا کہ اگر ویسٹرن ٹوائلٹس ہے چاہے پھر وہ کسی بھی جگہ ہو, انڈیا میں آج کل بہت کامن ہے 5 سٹارز میں ہوٹلس میں, اسی طرح آپ کے ایئرپورٹس ہیں ریلوے اسٹیشنس ہیں ویسٹرن ہوتے ہیں اس میں اونچے والے, تو انہوں نے کہا کہ پانی کا استعمال مشکل ہوتا تھا کیا ہم پیپر کا استعمال کریں؟ تو دیکھیے پانی کی موجودگی میں پیپر کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ویسٹرن ٹوائلٹ بھی اگر ہے اور اس میں مشکل ہوتی ہے میں جانتا ہوں, لیکن وہاں آپ جو ہے ٹیشو کا استعمال مت کیجیے. پانی کی موجودگی میں ٹیشو کا استعمال, پانی کی موجودگی میں تیمم کا کرنا, مطلب آدمی قادر نہیں ہے تو الگ بات ہے, لیکن پانی کی موجودگی میں تیمم ٹیشو یہ درست نہیں ہوں گا. یہ تبھی ہوں گا جب پانی غیر موجود ہو, تو آپ ٹیشو استعمال کیجئے, پیپر استعمال کیجئے, اینی تھنگ ہو سکتا ہے, ٹاویل ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہرحال ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن پانی کی موجودگی میں یہ کرنا اجازت نہیں دی جائیں گی. تو لہٰذا ویسٹرن کنٹریز یا ہمارے ملکوں میں بھی جہاں ایسے ٹوائلٹس ہوتے ہیں اس کو آپ خاص لحاظ رکھے, خیال کہ آپ کو پانی سے کرنا, ہاں مشکل ہوں گی میں بھی سمجھ رہا ہوں, لیکن آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ انتظام یا حل بہرحال نکالنا ہوگا, جس میں ایک سادہ حل بہرحال جو آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت, لیکن ٹیکنیکلی فٹ ہوئی آپ اس کے لیے, ورنہ آپ وہ رسک مت لیجیے, اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیے اس کے. آپ ہوتا تو وہ نیچے ہے لیکن اوپر, جیسے آپ انڈین میں بیٹھتے ہیں اس کے اوپر چڑھ جائیے, لیکن رسک بہت بڑا, اس لیے کہا ٹیکنیکلی تھوڑا فٹ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کو پیڈسٹل پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اس کو خالی بارڈر ہوتی ہے جو آپ کے بیٹھنے کے حساب سے بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یا پھر اگر بیٹھ کر دھونے کا انتظام ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے کیا ویسٹرن ٹوائلٹ پہ طہارت ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے ویسا آپ کا ویسٹرن ٹوائلٹ ہو. ویسٹرن ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں اس کے جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگ بولتے کیا گندا رہتا سب اس سے بیٹھتے, ویسا نہیں ہے, وہ انڈین ٹوائلٹ سے بھی کبھی کبھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے کہ انڈین ٹوائلٹ جو فطرت ہے اور بہت آسان اور بہت صحیح ہے, لیکن ویسٹرن بھی کوئی بہرحال میں کھلے طور سے حرام خرام نہیں دے سکتا ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے اندر, کیونکہ سادہ ٹیشو نہیں ہوتا ہے, بہت تھک پیپر ہوتا ہے. جب آپ وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو رول کھول کر نکال کے اس کو پہلے بچھاتے ہیں اوپر اس کے کور پر, ہر بار ہر آدمی اس کو بچھائیں گا اور اس کو پھینک دیں گا, اور وہ ٹوائلٹ پیپر کی خصوصیت ہوتی ہے کبھی فلش میں بھی ڈالے تو کھل جاتا ہے فوراً, وہ اٹکتا نہیں, جام نہیں ہوتا فلش میں, یاد رکھے اسپیشل پیپرس ہوتے ہیں, یا کبھی اس کے لیے ڈسٹ بن ہوتا ہے, لیکن کبھی وہ ڈال بھی دے تو فلش میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو اس کو پورا بچھانا پڑتا ہے, آپ اس کو بچھانے کے بعد آپ اس پر بیٹھتے ہیں ہر بار. ٹھیک ہے, یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ اچھے ہوتے ہیں اس میں ایک دم نہیں, چونکہ بیمار انسان استعمال کر سکتا ہے اس کو, مجبوری میں ہو سکتا ہے, یا کہیں جگہ آپ سمجھ لیجیے آپ بوڑھے ہو گئے اور ویسٹرن ٹوائلٹ کے علاوہ راستہ نہیں تو کیا کریں گے آپ, اوپر بیٹھنے کا رسک آپ لے نہیں سکتے, ایک جوان لے سکتا ہے. ٹھیک ہے,
کہ تو گرنے کا بہت بڑا رسک ہے اور بہت سے لوگ صرف ویسٹرن ٹوائلٹ میں جو گرنے کا واقعہ بولتے ہیں نا اسی اوپر بیٹھنے کی وجہ سے گرتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کبھی آپ کو اگر ٹیکنیکلی آپ فٹ نہیں ہے تو اس پہ بیٹھنے کی کوشش مت کیجیے, اوپر جیسا ہے پیپر ڈال کے بیٹھی. چونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اس میں طہارت نہیں ہوتی, ہوتی ہے اس میں, یہ الگ بات ہے کہ اس کا احساس یا وہ چیز محسوس ہم کو کم ہوتی ہے چونکہ ہم کو عادت ہاتھ کے استعمال کی. کبھی کبھار اس میں ہاتھ کی جگہ ہی نہیں رہتی, اس کے اندر اندر شاور رہتا, اس کے ٹوائلٹ کے اندر جو ہے بیک سائڈ شاور فٹ رہتا. آپ جب اس کو کھولیں گے تو خود پانی نکلنا چالو ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے پھر آپ صحت بھی اچھی ہو آپ کی کہ آپ کی رانیں ملی ہوئی ہیں تو پانی بیچ میں نکل کے باہر آتا, آپ بولتے ہیں اب آپ غسل کرنا پڑے گا, پانی آ گیا. اس میں بیٹھنا ایسا ہوتا ہے آپ کو کہ دونوں ٹانگیں چٹکا لینا پڑتی ہے اور پیر کو کراس کر دینا پڑتا ہے. اب میں کوئی آپ کو ٹوائلٹ بیٹھنے کی کلاس نہیں لے رہا ہوں, لیکن میں مجبوری میں آپ کیسا کر سکتے ہو بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی امریکن یا ویسٹرن میرے سے زیادہ اچھا ایکسپلین کرے اس کو الگ الگ ٹوائلٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم پیر کھلا رکھ کے بیٹھتے ہیں اور کبھی اس کو چالو کیے جو دھونے کے آتا تو وہ جب شاور کھلتا ہے تو پانی باہر نکلتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کمر رکھ کے ایسا پیر چھٹکائیں گے اور دونوں پیر سامنے کی یوں کریں گے تو پیر چھٹک جائیں گے. جب آپ اس کا شاور اندر کا چالو کریں گے تو پانی باہر نہیں اڑے گا, زیادہ زیادہ آپ کے پیروں کو لگ کے نہیں چلے جائیں, سمجھا. اس کے بعد ٹشو ہوتا ہے, طہارت پانی سے لینے کے بعد ٹشو سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں, وہ تو ایسے ہی ہو جیسا وضو کرنے کے بعد ٹاول سے آپ منہ پوچھتے ہیں, غسل کرنے کے بعد آپ جسم پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو آپ چھٹکا لیں گے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا, تو اس پہ طہارت ہو سکتی ہے, یہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. بہت سے لوگ جن کو بیٹھنا نہیں آتا اوپر بیٹھتے ہیں, بیت الخلاء کے بعد لوگ ان کو پکڑ کے نیچے بٹھاتے پھر وہ طہارت کرتے, کوئی ضرورت نہیں تھی تکلیف اٹھانے کی. آپ ٹیکنیکلی سیکھ لیجئے اس پہ کیسا بیٹھنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ نہ چھیٹے اڑتے ہیں نہ پانی آتا ہے, ٹشو کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن پانی سے ہی طہارت ہوں گی, ٹشو سے طہارت تو نہیں ایجاد دوں پوچھنا, وہ سب سیکنڈری چیزیں آپ بہرحال اس میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ آخری سوال رہے گا. جی میں نے ایک سوال کیا کہ بیت الخلاء میں جو آدمی بات کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بات نہیں کرنا چاہیے, منع ہے کہ بیت الخلاء کو دو لوگ بیٹھے اور بات کریں, تو کیا غسل میں بھی بات کرنا منع ہے؟ تو دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ طہارت خانے میں یا غسل خانے میں جائے تو خاموش رہے زیادہ بہتر ہے, وہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ بات کرنے کی جگہ بہت سے لوگ ہوتا ہے نہاتے وقت گانے گاتے ہیں, بہت سے لوگ نہاتے وقت کچھ ہی مطلب بہت سے لوگ تو گانا لگا کے نہانے کو جاتے ہیں, ٹھیک, تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور بیت الخلاء یا باتھ روم میں سوائے مجبوری کے منہ کھلنا میں سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے اس بات کو, بہتر ہے کہ آپ منہ نہ کھولیں. مجبوری الگ چیز ہے, کسی کچھ بولنا ہے کوئی آ گیا بھائی کیا کر رہے بٹھا دو, یہ الگ چیز ہے. اس کے علاوہ بیت الخلاء میں بات نہ کریں زیادہ بہتر, لیکن اس کی کوئی ممانعت کی کوئی سری روایت ہمارے سامنے نہیں کہ حمام کے تعلق سے, جیسا کہ پیخانے کے تعلق سے ہے, پیشاب پیخانے اس کے نہیں ہے, لہٰذا میں حرام تو نہیں کہوں گا لیکن عام اعتبار سے مطلب یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جائیں اور بات کریں, اپنا کام کریں وہاں جو مقصد طہارت حاصل کرنا اور جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا بھائی بھائی نے سوال کیا کہ قبلہ رخ کرنا, جیسا کہ بیت الخلاء میں قبلہ رخ منہ درست نہیں ہے, اب میت کو ہم جب وہ کرتے ہیں تو بیت اس کا چہرہ پیر چکے قبلے کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف, اور جب دباتے ہیں اور پیچھے سے اٹھاتے ہیں تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو دیکھیں وہاں وہ کور ہوتا ہے, بند حصے میں ہوتا ہے, ڈھکا ہوا ہوتا ہے, اور چونکہ وہ مردہ ہے وہ خود سے نہیں کر سکتا, تو لہٰذا یہاں ہماری گرفت اور پکڑ نہیں, یاد رکھیں وہ مردہ ہے نا وہ نہیں کر سکتا, اور ظاہر سی بات ہے قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قبلے کی طرف ان کا منہ کریں تاکہ جب اٹھائے تو منہ ادھر جائے, تو لہٰذا سے مسئلہ نہیں, چونکہ اس کا اصل مقصد بیت الخلاء پیشاب پیخانہ کرنا نہیں ہے, ہم اس کو اس غلاظت نکالنے کے لیے کام کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.